हरे कृष्ण। सो पहले अध्याय में इसका एक जस्ट सिनॉप्सिस हम लेंगे, समरी लेंगे, ताकि पिछले सेक्शन में क्या हुआ ये हमको पता चले। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र संजय से कुछ पूछता है कि मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ। 2 से 11 में हमने देखा कि दुर्योधन का डर जो है, उसकी जो एंजाइटी है, उसका डिप्रेशन, वो 2 से 11 में हमने देखा। 12 से 19 में हमने पांडवों के जीतने के 5 जो मुख्य चिन्ह है उनके विषय में हमने समझा। फिर 20 से 27 में अर्जुन देखता है और अर्जुन के देखने में क्या त्रुटि है, ये 20 से 27 में हमने देखा। और देखने के पश्चात उसके मन में कुछ विचार आते हैं और उन विचारों पर वो अमल करता है और वो सोचकर वो कुछ बोलता है। तो क्या बोलता है 28 से 46 में, वो 5 ऐसे कारण देता है जिसके वजह से वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये हमने पहले अध्याय के एंड में देखा कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा। सबसे पहला कारण अर्जुन देते हैं 1.28 से 30 में, मुझे मेरे अपने लोगों पर दया आती है कि ये इस तरीके से क्यों बर्ताव कर। दूसरा 31 से 35 में बताता है कि इनके बगैर मैं ये आनंद का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तीसरा वो बताता है कि मुझे पाप लग जाएगा अगर मैं इनको मारूंगा। चौथा कुल की परंपरा और कुल नष्ट हो जाएगा। और पांचवा वो कहता है कि मेरा अनिर्णय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये 5 कारण की वजह से अर्जुन जो इतना एफिशिएंट वॉरियर था, इतना बड़ा योद्धा था, वो योद्धा भी अपनी ताकत को न पहचानने के कारण अब यहाँ पर मायूस होकर हतबल हो चुका है। अब अगला अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर है, दूसरा चैप्टर गीता का, इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। प्रोपा जी इसको नाम देते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, माने गीता संक्षिप्त में अगर किसी को जाननी है तो दूसरा अध्याय आप ठीक से समझ लीजिए। फिर आगे आपको पूरी गीता आप पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो भी इसमें आपको काफी सारी गीता का सार मिल जाएगा। तो ये दूसरे अध्याय में भगवान ज्ञान योग, जिसको ही सांख्य योग कहते हैं, कर्म योग, पहले कर्म कांड से शुरू करेंगे, कर्म योग में जाएंगे, सांख्य होगा, सांख्य ही ज्ञान है और ज्ञान की परिपूर्ति जो है वो आपको भक्ति में होते हुए दिखेगी। तो ये यहाँ पर चारों योगों का वर्णन इस दूसरे अध्याय में भगवान ने किया। इसके लिए इसको क्या कहा गया है, कंटेंट ऑफ गीता समराइज, माने संक्षिप्त में सारी गीता पहले कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी है दूसरे अध्याय, उसका विस्तार आपको अगले 16 चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, 18वें चैप्टर में फिर से भगवान कंक्लूड करेंगे, रिकैप करेंगे जो कुछ भी हुआ है उसे। तो ये दूसरा अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 10 ही श्लोक लेंगे, लेकिन ये 10 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये 10 श्लोकों में हमें वो मिलने वाला है, वो चीजें हम जानने वाले हैं जो चीजें या जो गलतियां हम रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों पर आज हमें प्रकाश डालना है और समझना है कि कहाँ पर मैं ये चीजों को सुधार दूँ तो मेरा मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो आज का जो अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अध्याय के अंत में हम ये देखते हैं कि अर्जुन ने अपने खुद पर का जो संयम है वो खो दिया है। वो इतना नैराश्य में चला गया है, इतना नैराश्य में चला गया है कि निकलना बाहर मुश्किल है ऐसा लग रहा है। तो गीता सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हमें क्या सिखाती है, कृष्ण भी जो बोलना चालू करेंगे दूसरे अध्याय में, तो कृष्ण यहाँ पर ये बताएंगे कि सेल्फ मास्टरी कैसे डेवलप करते हैं। हम आज जिस स्तर पर जी रहे उससे ऊपर जब हम उठेंगे तो हम एक बहुत अलग दृष्टिकोण लेकर जीवन को जिए, बहुत आनंद पूर्वक हम जिए। जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर हम जब जाते हैं तो हमें विमान जो है हवाई जहाज इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन वही हवाई जहाज में जब हम सवार हो जाते हैं और फिर हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के बाद हम देखते हैं कि हवाई जहाज धीरे 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 करते
पहले 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 40,000 फुट तक जब उड़ता है, धीरे धीरे वो एक स्तर दर अगले स्तर में जाता है। तो जब हम हवाई जहाज में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब जा रहे हैं, तो वही बिल्डिंग जब हम हवाई जहाज में नहीं थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो वही बिल्डिंग हमें बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही। लेकिन जब हम हवाई जहाज में जाते हैं, तो वही बिल्डिंग जो 50-60 मंजिली इतनी बड़ी दिख रही थी, जिसके सामने हम इतना छोटा दिख रहे थे, वही बिल्डिंग जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं, वही बिल्डिंग अब हमें एकदम छोटी 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 नजर आती। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हमको इतना बड़ा 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 लगता है कि नहीं, शायद इसमें से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, वही प्रॉब्लम जब हम भक्ति के हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं और जैसे ऊपर ऊपर एक स्तर दर दूसरे स्तर पर जाते हैं, तो वही समस्या हमें बहुत छोटी छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब हमारा देखने का दृष्टिकोण बहुत विशाल होते जा रहा है। अभी क्लास से पहले एक लड़की आई थी उससे मिलने के लिए, हमारे फ्राइडे गीता क्लास में आती है, माने यहाँ पर हम ऑफलाइन सेशंस भी लेते हैं युवाओं के लिए, लड़के लड़कियां दोनों आते हैं उसमें। तो ये लड़की वो क्लास में आती है, तो क्लास के पश्चात उसने कहा कि मुझे आपसे बात कर, हम अभी गीता का दूसरा अध्याय खत्म कर रहे हैं, लास्ट पढ़ाव में। तो वो बात बता रही थी कि वो जीवन में बहुत नाराज है, और हाल ही सिर्फ 21 साल की लड़की। अब ये 21 साल की लड़की बोल रही है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा मन यहाँ वहाँ भटकता है, कभी लगता है जीवन जीवन समाप्त हो जाए या मैं जीवन समाप्त कर लूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपको ये लग रहा है, ओके कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों लग रहा है? तो उसने कहा कि मुझे बचपन में मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला, तो अब ये प्रेम मैं दूसरे लड़कों में ढूंढती हूँ या मेरे सहेलियों में ढूंढती हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? तो उसका एक छोटा भाई है जो 7वीं में, एक बहन है छोटी उसकी जो 12वीं में है, और ये अभी ग्रेजुएट है, और इसकी माँ है। तो इनके पिता जो है घर पर इतना परेशान करते, इतना परेशान करते इनको, कि इनकी माँ हाइपर थायराइड की पेशेंट है, माने थायराइड नेचुरल नॉर्मल लेवल से कई अधिक ज्यादा जब शरीर में हो जाता है तो बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कोई नस अगर फट जाए तो व्यक्ति वही शरीर छोड़ देगा। तो ऐसी उसकी माँ इतनी बीमार है, फिर भी वो जॉब करती है, ये लड़की भी जॉब करती है ताकि कुछ पैसे जुटाए और घर चला पाए। पिताजी का कोई ध्यान नहीं करता, तो कभी घर पे आते कभी नहीं आते, कभी 2 बजे आते कभी कभी भी आते, और मनचाहा बर्ताव करते। तो ऐसी स्थिति में वो लड़की इतनी हताश हो चुकी है, इतनी हताश हो चुकी है कि उसको अभी जीने की भी इच्छा नहीं। ये ऐसे केसेस आपको हर रोज की जिंदगी में देखने मिले, और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप खुद को शाबाशी दीजिए कि भगवान ने आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डाला, या भगवान का आभार व्यक्त कीजिए। आप ऐसी स्थिति में आप ये लड़की को क्या, ये लड़की को सेल्फ मास्टरी नहीं पता है। ठीक है, हम कब तक लेकर बैठेंगे कि मेरे पिता ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, या मेरी माता ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत, कब तक लेकर बैठेंगे? तो ये गीता जो है, अर्जुन यहाँ पर वही सोच रहा है, वो मुझे मार दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने खुद का कंट्रोल खो दिया है, सेल्फ मास्टरी नहीं रही उसके पास। अब जब वो उसके मत को प्रदर्शित कर कर अभी रथ पर बैठ चुका है, तो अब यहाँ पर कृष्ण दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फसाद की जड़ ये पहले 10 श्लोकों में, और उसका विस्तार अगले 30वें श्लोक तक चलेगा। व्यक्ति किस चीज के लिए कार्य करता है, क्या सोचकर कार्य करता है, इसका वर्णन 37 से 37 श्लोक में आएगा। फिर उसके पश्चात अर्जुन को ऑप्शन दिए जाएंगे, तीन ऑप्शन देते भगवान, एक तो तू निष्काम भाव से कर, नहीं तो सकाम भाव से कर, नहीं तो मेरे लिए कर, मैंने भक्ति हो, ये तीनों ऑप्शन भगवान देंगे। वो कहता नहीं करूं, फिर भगवान उसको कुछ कहेंगे, उसके पश्चात वो प्रश्न उठाएगा कि आप जो कहते हैं कि व्यक्ति को हर स्थिति में समता बुद्धि रखनी चाहिए, तो समता बुद्धि के लक्षण क्या है? उसके साथ ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है, 54 से 72 श्लोक, 72वें श्लोक तक, फिर अध्याय अंत हो जाता है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, या उसकी कोई बात हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो हमें उसे जज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लक्षणों से ही आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे ये लड़की अभी आई, आंखें एकदम काली काली हो चुकी है,
ओठ उसके सूज चुके हैं, एकदम इतनी डर रही थी कि बार बार पर रो रही थी। तो उसको जज करने की जरूरत नहीं कि ये तू क्या लड़की इतनी बड़ी हो गई और तू ऐसे बिहेव कर रही। नहीं, जब आपसे कोई मदद मांगने आता है तो वो ये भाव से आता है कि भाई आप उसे जज नहीं करें। नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता, भले ही वो गलत है लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते। अब ये लड़की कितनी पीड़ा से जा रही है इसका पता हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं। तो यहां पर भगवान जब अर्जुन से बोलेंगे तो भगवान अब इसको गलती नहीं कहेंगे, वो हमें सिखाने के लिए भगवान एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करेंगे और उस स्पेसिफिक बिहेवियर को अर्जुन एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, 10वें श्लोक में बहुत हिस्ट्री हो जाती है। तो हमको यहाँ पर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी सीखना है और दूसरी चीज क्या सीखनी है, आर्ट ऑफ सेल्फ मास्टरी। तो सेल्फ मास्टरी क्यों नहीं होती है तो इसके फसाद की जड़ यहाँ पर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक आपको बेसिक में बताई जाए। ठीक है, तो आज हमारे सत्र को हम शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर चीज के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या सोच है, क्या समझ है। इसके साथ आज हमारा ये सत्र हम शुरू करते हैं। तो ये 5 चीजें आप लिख लीजिए कि गीता में क्या 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसके विषय में चर्चा है। गीता में 5 विषय, पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरी है प्रकृति, चौथा है काल और 5वां है कर्म। तो इनमें से 5 जो चीजें हैं, ये 5 चीजों में से 4 चीजें स्थायी होती है, एक अस्थायी है माने टेम्पररी। इसमें कर्म टेम्पररी है, बाकी सारी चीजें ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये हमेशा शाश्वत है। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी कोई कहे कि कर्म को जलाया नहीं जा सकता या तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल तोड़ा जा सकता क्योंकि ये अस्थायी है। जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा निकाला जा सकता है, उसी तरीके से कर्म को भी हम उस कर्म के चक्र से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए उसको अस्थायी कहा जाए। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले अध्याय में धृतराष्ट्र और दुर्योधन इनको ही युद्ध चाहिए था, ये पहले श्लोक में हमने क्लियर कर लिया और दूसरे श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से दुर्योधन जिद करता था मुझे युद्ध करना ही है क्योंकि मुझे ये राज्य पूरा मेरे नाम पर चाहिए। फिर हमने आगे देखा कि किस तरह से अर्जुन डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनके हमने सारे सिम्टम्स देखे, उनका गांडीव हाथ से निकल रहा है, त्वचा जलने लगी है, गला सूखने लगा है, मन घूमने लगा है, ऐसे कई सारे हम चिन्ह उसके लक्षणों के देखे। उसके बाद हमने देखा कि अब किसी भी स्थिति में व्यक्ति 3 तरह के रिस्पॉन्स देता है, ये याद रखिएगा, हम या सभी कोई प्राणी से लेके मनुष्य तक सब ये 3 ही रिस्पॉन्स देते हैं। कौन से 3 रिस्पॉन्स होते हैं? कोई भी संकटमय स्थिति आए तो एक तो भाग जा, उसको कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट माने भाग जा। दूसरा होता है ठीक है देखूंगा क्या करना है, फाइट। और तीसरा होता है फ्रीज, कुछ समझ में नहीं आ क्या करूं क्या करूं, एकदम बौखला जाता। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, ये 3 ही रिस्पॉन्स व्यक्ति या कोई प्राणी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन जो है, दुर्योधन उसके गुरु की त्रुटि को क्यों दिखाता है, ताकि वो ढकना चाहता है कि मैं भी डर चुका हूं, माने वो क्या कर रहा, फाइट बैक कर रहा, फाइट बैक कर। हर स्थिति में आप कहते कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, उस स्थिति में लड़ने की जरूरत नहीं होती, शांत बैठ जाओ तो अपने आप स्थिति सुलझ जाती। जैसे अगर कोई व्यक्ति दलदल में गिर गया है और दलदल में अगर वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है मैं निकलूंगा मैं निकलूंगा, तो जितना हाथ पैर मारेगा उतना नीचे दबता जाए। तो स्थिति के अनुसार हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अर्जुन कुछ समय के लिए खो चुका है। तो हर चीज में फाइट बैक करने की जरूरत नहीं होती। अब मान लो एक हाथी है और एक सुअर है, दोनों आमने सामने हो गए और सुअर अभी कीचड़ में लौट कर आएगा, आया है गटर में लौट कर आया, और वो हाथी को चैलेंज कर रहा है कि चल मेरे साथ युद्ध कर। तो हाथी जब देखता है ये गटर में से आया तो उसके साथ युद्ध नहीं करता, वहां पर शांति से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि झगड़ा करेगा तो गटर का सब गंदगी उसके ऊपर लग। तो हर चीज में फाइट की जरूरत नहीं है और नहीं हर चीज में फ्रीज की जरूरत है, एकदम स्तब्ध क्या हो गया क्या हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। कभी कभी जीवन में भागना भी पड़ता है, कभी कभी रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता, कभी कभी फ्रीज भी। जैसे शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के द्वारा पकड़े गए आगरा, युद्ध नहीं किया वहां पर, उनको समझ गया कि यहाँ पर हम पकड़े जा चुके,
अगर दिमाग से काम नहीं लेंगे तो मारे जाएंगे। कितने मायने रहे आगरा? क्यों? क्योंकि फाइट हर जगह काम नहीं आता। तो ये हमको समझना है। आगे हमने देखा कि किस तरह से दुर्योधन रिस्पॉन्ड करता है, अर्जुन रिस्पॉन्ड करते हैं और धृतराष्ट्र रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक विशिष्ट टॉपिक को यहाँ पर आज हैंडल करेंगे। डर पर विजय कैसे प्राप्त करना है, डर क्यों आता है। आज पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से डर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा पहलू। कोई व्यक्ति पानी से डरता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है, कोई मुझे भला बुरा कह रहे उससे डरता है, कोई हाइट से डरता है, कोई गंजे लोगों से डरता है, कोई दाढ़ी से डरता है। इतने सारे डर है लोगों के। किसी को कीड़ों से डर है, किसी को चिपकली से डर है, किसी को चींटियों से डर है, अलग अलग डर है लोगों के। ये डर अच्छा है कि बुरा है, ये हमको पहले समझना है। क्योंकि डर को हैंडल करने से पहले डर को हमें समझना होगा कि डर क्या है, ये डर क्यों आता है। तो डर न तो खराब है न तो अच्छा है। डर ये यूटिलिटी बेस्ड है भाई, ये यूटिलिटी बेस्ड है। मान लीजिए आपके सामने अचानक से शेर आकर खड़ा हो जाए और आप डरो ही नहीं, तो अगर आप में डर नहीं होगा तो हो सकता है कि शेर झपट कर आपको खा ले। अगर एक 420 वोल्ट की वायर, लाइव वायर जा रही है और आपको डर ही नहीं, आप हाथ लगा दो तो क्या होगा, जलकर खाक हो जाएगा। तो ये डर जो है ना, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम कर। मान लीजिए छोटा बच्चा है और माँ बाहर गई है और गैस चालू है, कुछ पक रहा है गैस में, और बच्चे को अगर वो चटका जोर से न लगे तो बच्चे का हाथ जल जाएगा, उसे समझेगा भी नहीं। तो डर क्यों बनाया गया है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए निसर्ग ने उसे हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह दिया है, एक उपकरण की तरह दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो डर हम पर इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि हम अर्जुन की तरह बिल्कुल सोच नहीं सकते और गांडीव नीचे रखकर रोने लगते हैं। अर्जुन रो रहा है पहला अध्याय। तो डर ये अच्छा भी नहीं है, डर ये बुरा भी नहीं है, डर ये यूटिलिटी बेस्ड है और हमारी सुरक्षा के लिए निसर्ग ने इसे हावी। और डर कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए अचानक आप जहां बैठे हो वहां पर अंधेरा हो जाता है और कुछ अचानक आपका पैर किसी चीज पर, जब आप कॉट से नीचे उतरते किसी चीज पर आपका पैर आ जाता है। जैसे ही पैर आएगा आपका तो आपको डर लगेगा, अरे सांप है क्या। उतने में लाइट जल जाती है और आप देखते नीचे सांप नहीं है, एक रस्सी है। रस्सी है तो आपका मन क्या हो, भय अपने आप निकल। तो भय किसके कारण आता है, अज्ञान के कारण। और भय जाता कैसे, ज्ञान के कारण। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार, मुझे तनुश्री और उसकी सिस्टर ने पूछा कि प्रभु जी भूत होते हैं क्या? होते, कई लोग डरते हैं रात में जाने से, टॉयलेट भी नहीं जाते, बेड में ही पकड़ कर रखते हैं यूरिन को सुबह होने तक। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। अगर उनका फंक्शनिंग आपको पता चल जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं। जिस विषय में मुझे अज्ञान है उसी के विषय में मुझे डर लगता है। जैसे रिजल्ट, मुझे रिजल्ट के बारे में अज्ञान है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, इसलिए मुझे डर लगता है, अरे ना फेल हो गया तो क्या हो। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है कि आप पास हो गए तो आपका भय अपने आप निकलता है। तो ये भय क्यों आता है, अज्ञान के कारण, और भय कैसे जाता है, ज्ञान के कारण जाता है। तो इस विषय पर आज हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मन, मन में भय उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा तो आपको एंग्जाइटी आएगी, एंग्जाइटी जैसे बढ़ेगी तो स्ट्रेस में चले जाएंगे, स्ट्रेस में आएगा तो आप व्यक्ति गुस्सा होने लगता है, और जब गुस्सा काबू में नहीं रहता तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। ये साइकिल है उसकी। ठीक है, तो कुछ बेसिक मुद्दों पर चर्चा करें। भय क्या है, भय अच्छा है कि बुरा है, निसर्ग ने भय क्यों बनाया है, भय के लक्षण क्या है और भय को कैसे काबू करना है। तो ये पांच प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा भय क्या है। भय और कुछ नहीं है, किसी विषय में आपको जानकारी नहीं है तो उससे मुझे क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा, इसके कारण मुझे फायदा। दूसरा, भय अच्छा है कि बुरा, भय न तो अच्छा है न तो बुरा है, यूटिलिटी बेस्ड। निसर्ग ने क्यों बनाया उसको, मेरी सुरक्षा के लिए। अभी लक्षण क्या है भय के, ये हम समझेंगे और उसको
उसके ऊपर काबू कैसे पाना है ये आज के सेशन में हमको पता करना है। ठीक है, तो मैं आपको आज के श्लोक दिखाता हूँ, तो आप श्लोकों के साथ इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, तो ये दूसरा अध्याय है, इसका नाम है सांख्य योग। ठीक है, तो सांख्य योग में हमने क्या देखा, इसमें गीता का जो ज्ञान है वो संक्षिप्त रूप में दिया गया है। ठीक है, तो आइए आज के सत्र को शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम निशीदंतम इदं वाक्य उवाच मधुसूदन। यहाँ पर अर्जुन संजय के विषय में अर्जुन कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन के विषय में? तम तथा, आश्चर्य कर रहे हैं। ओह संजय क्या कह रहे हैं? तम, अरे उस अर्जुन ने, तथा उस पर क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, कृपया आविष्ट, वो दया से इतना आच्छादित हो गया, करुणा से इतना आच्छादित हो गया, अश्रु पूर्ण आंख आंसुओं से भर गई। ईक्षण, ईक्षण माने क्या, आंख आंसुओं से इतनी भर गई कि दिखना बंद हो गया। और क्या हुआ उसके बाद, विषी दंतम, इतना शोक मग्न हो गया, इतना शोक मग्न हो गया, विषी दंतम इदम वचः, विषी दंतम वाक्यम वाच मधुसूदन। और ये होने के बाद जब उसका मन पूरी तरह से गदगद हो गया, उसके पश्चात वाच माने बोला, अर्जुन क्या बोला, इसको बोला मधुसूदन। तो अब हम ये देखेंगे कि अर्जुन क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अर्जुन की मानसिकता क्या है फिर से रिकैप करेंगे, समझना बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों उकसाया, युद्ध न होता तो भी अच्छा होता था ना, अर्जुन ने क्यों उकसाया कृष्ण ने अर्जुन को क्यों उकसाया युद्ध करने, तो उकसाए नहीं। देखिए अर्जुन पहले चैप्टर में अगर आप ठीक से देखो तो अर्जुन क्या कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। क्यों? उसका सिंपल कारण है, क्या कारण है अर्जुन का, क्यों बहाना कर रहा है अर्जुन, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता। अब युद्ध उसके लिए ड्यूटी है, उसका कर्म है, क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डर चुका है। किससे डर चुका है, वो इस स्थिति को मान्य करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे अपने लोग मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, मान्यता ही नहीं देते हम लोग। सबसे बड़ा हमारा, कई बार किसी को कुछ बीमारी हो, जैसे हमारे एक मित्र है, उनकी दादी को कोविड हो गया, तो उनकी दादी को जब कोविड हो गया तो उसने बताया नहीं किसी को, वो टेस्ट करके आई, दवाई खाई, एक बार ठीक हो गई, फिर से बाहर गई, दूसरी बार हो गई उसको कोविड, तो उसने सेकंड वेव में थी तो उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, छुपा छुपा करो सबको दी थी, मैं ठीक हूँ मैं ठीक। और एक दिन अचानक उनके हृदय में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, एडमिट किया, दूसरे दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। क्यों? डरती थी लोग क्या कहेंगे, फिर से कोविड हो गया, शरीर छोड़ने की नौबत आ गई। देखिए तो हम डरते उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे ये लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि हाँ उसके पिताजी एक तरीके के व्यक्ति हैं, उनका एक स्वभाव है, वो स्वभाव से डील करने का एक तरीका है। वैसे अर्जुन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि मेरे भाइयों की एक अलग सोच है, वो नहीं बदलेंगे, और जब कोई व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है तो निसर्ग उसके लिए एक अनुरूप तरीका अपनाती है जिससे वो व्यक्ति सुधरने के लिए मजबूर हो जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में उसको बदलना ही पड़ेगा। और दूसरा डर क्या था, अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ये मेरे सपोर्ट सिस्टम है। कई बच्चे अपने माता पिता को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, कोई अपने भाइयों को बनाता है, कोई अपनी बहनों को बनाता है, कोई सोसाइटी वालों को बनाता है, कोई पैसे को बनाता है, उनको लगता है कि ये सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कुछ जी ही नहीं पाऊंगा। ये क्यों होता है, हमने उस चीज को अपना सपोर्ट बनाकर,
अर्जुन ने उसके रिश्तेदारों को अपना सपोर्ट बना दिया और उसके कारण क्या है, उसका मन कह रहा है युद्ध मत कर, युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, बच जाएंगे, अपने हाथ से पाप नहीं होगा। अभी उसका मन उसको कारण दे रहा है बार बार। कई बार मैंने देखा है, हमने देखा है कि बच्चे जब भक्ति में लग जाते, भक्ति मार्ग पर आते, तो हम कहते हैं उनको जप कीजिए। अब उनको भी पता है कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं, तो वो क्या करते, भक्ति की आड़ लेते, नहीं प्रभु जी मुझे एक ही जन्म में भगवत धाम जाना है, मुझे एक ही जन्म में शुद्ध होना है, और मैं बस अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर सब जप जप करो। नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आपका पहला ड्यूटी है पढ़ाई का। उसी तरीके से अर्जुन ये भूल चुका है कि वो एक योद्धा है, उसका पहला ड्यूटी क्या है, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। शतत्रायते इति क्षत्रिय, ये क्षत्रिय की परिभाषा है, डेफिनेशन, हर चीज की डेफिनेशन है शास्त्र में। हमको डेफिनेशन ही नहीं पता तो हम किसी को भी किसी चीज में फिट करते थे, तो फिट नहीं होता तो हमको ये सब हो गए। डेफिनेशन में फिट कीजिए ना। उसी तरीके से यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये नहीं बता रहे युद्ध कर, अर्जुन को किस लिए कह रहे हैं कि भाई तेरा कर्म है युद्ध करना और तू अपने कर्तव्य से चूक मत अर्जुन, तो अगर चूक जाएगा तो तू ही नर्क में जाएगा। ये लोग नर्क जाएंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन तू पक्का नर्क में जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से वृंदावन जा रहा है, जाते जाते कार में एक रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ते पे चला, तो कोई व्यक्ति उसको देखता है आपको कहाँ जाना है, तो सामने वाला वो कहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, वो कहेगा रही तो वृंदावन का नहीं है तो गोवा का रास्ता। अगर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये गलत रास्ता है, आपका रास्ता उधर है, तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति गलत है? नहीं। उसी तरीके से कृष्ण यहाँ पर उसको युद्ध के लिए नहीं उकसा रहे, युद्ध के लिए नहीं उकसा रहे, उसको कर्म के लिए उकसा रहे कि तुम तुम्हारे कर्म से चूको मत। और मान लो कि अर्जुन युद्ध ना भी करता, अर्जुन संन्यास लेकर चला जाता, युधिष्ठिर महाराज रुकने वाले थे? नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब ये पांचों भाई द्रौपदी को ब्याह कर लेकर आते हैं, तो उनकी माँ के सामने कहते हैं कि माँ हम कुछ लाए, तो उनकी माँ क्या कहती, बांट के खा लो। वो माँ क्या कहती, बांट लो। अब उसको पता नहीं कि ये लड़की को ब्याह करना है, तो तब वो पांचों तय करते कि अपनी माँ के मुंह से कभी कोई गलत बात निकली नहीं आज तक, धर्म की बात की, तो माने ये भी धर्म की बात होगी, वो पांचों बेटे एक स्त्री के साथ विवाह कर। अब मुझे एक लड़की ने पूछा है कि प्रभु जी शास्त्र में तो खाली लड़कों को ही इजाजत है एक से ज्यादा पत्नी करने की, तो क्या लड़कियों के लिए भी? मैंने कहा है, आप द्रौपदी का उदाहरण देखिए, पंचम स्कंद में सोम पुत्री एकाकी, उसका उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में, ऐसे कोई नहीं स्त्रियां नहीं कर सकती। लेकिन ये भी जान लीजिए कि द्रौपदी जब स्वर्गारोहण करती है तो द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरती है? गिरती है माने सबसे पहले वो शरीर छोड़ती, क्यों, क्या गलती हुई थी उससे? एक अकेले युधिष्ठिर महाराज है जो पहले निकलते हैं, सहदेह निकलते हैं, बाकी सारे चारों भाई और द्रौपदी गिर जाते हैं नीचे, क्यों? व्यासदेव लिखते हैं क्योंकि उसने जब ब्याहा था तो कहा था कि मैं सारे पतियों को एक समान प्रेम करूं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा आकर्षण अर्जुन से था, तो कहीं ना कहीं वो पार्शियलिटी हो जाती। तो जब ये रोल की बात है, रोल के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती, तो ये खाली मुझे 10 लड़के अच्छे लगते तो मैं 10 के साथ शादी करके मजे कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। हर रोल के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दो, आप 10 क्या 100 विवाह करो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र उस रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वैसे ही स्टूडेंट है तो पढ़ाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप माँ है तो बच्चों का ख्याल रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पिता है तो घर में सारी चीजें हो इसकी व्यवस्था करना ये आपकी जिम्मेदारी, वरना आप पाप के भागीदारी, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली, ये रोल लिया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पाला। एग्जैक्ट यही चीज यहाँ पर कर। और भीम रुकने वाला था नहीं, कुंती रुकने वाली थी नहीं, द्रौपदी बोली अगर मेरे पति नहीं लड़ाई करेंगे तो मैं मेरे पांचों पुत्रों को लेकर, मेरे भाई को लेकर, मेरे पिता को लेकर और अभिमन्यु को लेकर युद्ध भूमि में उतरू, ये द्रौपदी का वचन है महाभारत। वो नहीं रुकने वाली थी अर्जुन के लिए, इसका मतलब क्या, युद्ध ऐसे भी होने वाला था, अर्जुन लड़ाई करें न, युद्ध तय हो चुका था, अर्जुन को उकसाने की भी जरूरत नहीं। और यही अर्जुन था जो सबसे पहले उतरा कि चलो युद्ध करने चलते और मुझे दिखाओ कौन कौन आया, ये अर्जुन के पिछले चैप्टर की स्टेटमेंट आप ठीक से पढ़ी, तो कृष्ण ने कहीं पर भी उकसाया नहीं है, अगर उकसाया होगा तो उसके ड्यूटी करने के लिए उकसाया गया,
ये बात आप कह सकते हैं। युद्ध के लिए नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी तुमने ली है उसको पूर्ण करो, इसके लिए उकसाए। ठीक है, अब दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहां पर अब भगवान कृष्ण के सामने ऐसा कंडीशन अर्जुन का देखा, अब कृष्ण थोड़े गुस्सा हो गए, कमाल तू ही खुद बोला दिखाओ, और देख के तू डर गया। भगवान थोड़े गुस्से से बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तीन चीजें यहाँ पर कहते, भगवान सबसे पहले अर्जुन को बहुत डांटते, कुत कुत माने कहाँ से, त्वां तुझमें, कश्मलम ये गंदगी कहाँ से आई तुझमें, विषमे इस विषम स्थिति में कहाँ से आई तुझमें, कैसी है ये दूषण कैसा है, ये कश्मल कैसा है, अनार्य क्वालिफाइड लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा है, अस्वर्गीय ये तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा देगा, नरक की प्राप्ति कराएगा, ओ कीर्ति तेरा यश नहीं गाया जाएगा कि अर्जुन इतना बड़ा दयालु था और उसने अपने भाइयों को नहीं मारा, नहीं लोग कहेंगे भगोड़ा था, भाग गया युद्ध से, ओ कीर्ति होगी तेरी। तीन चीजें बताई, बिहेवियर अनार्य, अस्वर्गीय, अकीर्ति। पर्सनल लेवल पे लोग क्या बोलेंगे, काहे का योद्धा था, अरे भाग गया डर गया था, लोग उसको गाली देंगे, अस्वर्गीय, और उस बिहेवियर के कारण तुझे स्वर्ग की नहीं नरक की प्राप्ति होगी और तेरी अपकीर्ति हर जगह गाई जाएगी। अरे वो यार अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कुछ आता नहीं, अपने भाई को देख के डर गया, अरे किसको देख के डर गया, दूरी को करना तो बहुत मजे मजे से बोले, अरे अर्जुन मुझे देख के भाग गया था, अकीर्ति होगी तुम्हारी। तो ये क्यों है, तो यहाँ पर जो कश्मल बताया गया है वो कश्मल माने दूषण किस चीज का है, वो दूषण है डर, डर दूषित होता है, डर मन को दूषित बनाता है, और वो डर के कारण क्या होता है, डर पहले मन में आएगा, मन से विचारों में आएगा, विचारों से वाक्य में आएगा, और वाक्य से एक्शन में आएगा, ये सीक्वेंस है उसमें। तो सबसे पहले डर कहाँ पर आता है, मन में आता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो खुद के कल्याण के बारे में भी नहीं सोचता व्यक्ति, कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मेरे लिए क्या बुरा होगा, कुछ नहीं सोचता, हायर बेनिफिट में नहीं देख पाता है कि अगर मैं इस डर को कॉन्कर करूंगा, जीत लूंगा, तो मैं इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करूंगा, वो भी नहीं देख, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये भी व्यक्ति नहीं सोचता। तो ये तीन लक्षण यहाँ पर पता है, अगर युद्ध नहीं करेगा तो बिल्कुल इसकी विपरीत होगा, अनारे की जगह अधपतन हो जाएगा, अस्वर्ग स्वर्ग की जगह नर्क हो जाएगा, कीर्ति की जगह अपकीर्ति हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं तेरा ये जो डर है ना, किसी काम का नहीं है अर्जुन, इसको तू छोड़ दे। यहाँ पर दूसरे श्लोक में भगवान, ठीक है, अब हाँ तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ। भगवान इतने चिढ़ गए, इतने चिढ़ गए कि तू क्या कर क्या रहा है यार, क्लैव्यम, क्लैव्यम माने क्या, छक्का मराठी भाषा में सिक्सर, अर्जुन को क्या कह रहे, इस सिक्सर छक्के की तरह क्या बात कर रहे थे। तो यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं, कि ये जो तेरे अंदर ये जो दूषण आया है डर का, वो दूषण किसके कारण आया है, भय के कारण आया है, और ये भय ही तेरे विनाश का कारण है। तो यहां पर बता रहे, अच्छा ये भय का रूट किधर है, ये भय किसकी वजह से आता है, तो भय जो है शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठप परंतप। यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ये जो डर है, इसकी फसाद कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ पर है, इसकी जड़ है आपके वीक हार्ट। देखिए ये श्लोक, सॉरी थोड़ा से बटन गलत दबा दिया गया, ये तीसरा श्लोक है यहाँ पर। तो तीसरे श्लोक में क्लैव्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वई उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ। उठो अर्जुन, ये हृदय की दुर्बलता के कारण भय तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, हम कहते हैं ना यू आर वीक हार्टेड,
आप हृदय से बड़े कमजोर हो, मन से बड़े कमजोर, तो डर जो है ये मन की कमजोरी है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तू तो परम तप है, लोगों को तपाता था, लोगों के मन में तू भय उत्पन्न करता था, और आज तू ही भयभीत हो गया है अर्जुन। तो ये डर अर्जुन में क्यों है? अच्छा है, डर है, लेकिन वो डर उस पर इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है क्या होगा, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लग गया अर्जुन। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि भाई डर का इफेक्ट क्या है, सबसे पहला इफेक्ट क्या है, व्यक्ति जो है विपरीत सोचने लगेगा। विपरीत माने का उसको अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। जैसे कोई लड़का है, उसको एग्जाम का डर है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं शायद फेल हो जाऊंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, तो क्या कहता है, उसको लगता है कि एग्जाम नहीं दूंगा तो मैं बीमारी का बहाना करूंगा, और फिर घर वाले बोलेंगे बेटा बीमार था इसके लिए उसने एग्जाम नहीं दिया। कारण वो नहीं था, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते बच्चे, फेल हो जाऊंगा उससे बेटर एग्जाम ही नहीं दूंगा, क्योंकि उनको क्या लगता है, एग्जाम दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। एग्जैक्ट सेम अर्जुन यहाँ पर, उसको डर है कि लोग क्या कहेंगे कि तूने अपने लोगों को मार दिया, ये डर है उसके अंदर। तो जो होना चाहिए उसको विपरीत समझता है अर्जुन, और उसके कारण क्या होता है, दूसरा हमारे जो नेचुरल क्वालिटीज है वो ढक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर परम तप, अर्जुन को एक नाम दिया गया परम तप, माने जो लोगों को तपाता था, लोग उसको देख के डरते थे, वो परम तप अब क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता के कारण वो वहां से भागने के लिए अभी बहाने ढूंढ रहा है। क्या बहाने दिए? पिछले अध्याय में हमने देखा 5 बहाने दिए, 4 बहाने दिए, और अब 5वां इस चैप्टर में। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अपने युद्ध न करने का समर्थन कर रहा है। क्या वो कह रहा है कि पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो लड़ाई को रोकना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि लड़ाई मेरे लिए अच्छी नहीं है, जबकि उसके लिए लड़ाई ही अच्छी है, ये कृष्णा भी आने वाले श्लोकों में प्रूव कर देंगे। और ये हम किस पर आधारित करते हैं, कुछ हमारी जो मान्यता है, मान्यता के आधार पर हम जीते हैं। कई बार डर कैसे उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए अभी वो लड़के मुझे पूछ रहे थे भूत का क्या होता है, तो उनको लगता था कि भूत अगर आ जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी जीवन खराब हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो अगर घुस भी जाए किसी के अंदर उसको निकाला जा सकता है। जैसे पैर में कांटा घुस जाए तो माँ क्या करती है, सुई लेकर वो कांटे कांटे को निकाल दी। वैसे ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियां है, अगर उनका आप सेवन करोगे, किसी व्यक्ति के पास चले जाओगे जो उतार सकता है तो निकल जाता। हमारी मान्यता क्या है बचपन से, खराब है खराब है। अरे खराब है क्या मतलब, क्या तुमको उसके विषय में ज्ञान नहीं है, तभी तुमको उसके विषय में डर लगता है। सेम चीज यहाँ पर अर्जुन की, उसने क्या मान्यता बना के रखी थी कि भाई ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। इनके जैसे ये लड़की का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसको लगा कि मेरे पिता का प्रेम नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन सक्सेसफुल नहीं है एक तरीके से, लेकिन ना भी मिले तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है इस दुनिया। अगर तुमको नहीं मिला तो तुम ऐसे भी जो लोग हैं उनको दो जिनको नहीं मिला है ना, तुमको तो समझ आ रहा है ना कि पिता का प्रेम जरूरी है, तो तुम दूसरों को बांटो, तुम दूसरे की केयर टेकर बनो, तुम खुद इतना शक्तिशाली बनो कि दूसरे को संभाल पाओ। वो नहीं करेंगे, रोते बैठेंगे, ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे तो ऐसा हो गया, ये नहीं चलता है। तो यहाँ पर अर्जुन वही अपनी मान्यता को, जैसे शामरू कहता है ऑस्ट्रिच, जब वो शेर को देखता हो क्या करता है, गड्ढा खोदता है और गर्दन उसमें डाल देता है। क्यों गर्दन डाल देता है? उसको लगता है दिखेगा ही नहीं ना शेर, तो शेर चला जाएगा, वो शेर उसके बगल में खड़ा है उसको खाने के, और ये क्या कर रहा है, गर्दन नीचे डाल दिया। हम भी वैसे ही करते हैं, हम सामना नहीं करते स्थिति का, ढकते ढक ढक इतना ढक देते कि अंदर जाके सड़ता है और शरीर को खराब कर, ये डर इतना भयंकर है। तो यहाँ पर अर्जुन की ऐसी भयंकर स्थिति है क्योंकि वो सिचुएशन को डील नहीं कर, इतना सिंपल है, गीता में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यहाँ पर वो डील नहीं करना चाहता उस स्थिति को। अब चौथे श्लोक, अर्जुन हुआ, अब कृष्ण ने तो अर्जुन को सुना दी खरी खोटी, अब अर्जुन को लग गया काटा। देखो अर्जुन क्या बोलता है, कथम भीष्म अहम सांख्य द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा अर्हो अलसूदन। अर्जुन एकदम गुस्से में आ गया, क्यों गुस्से में आ गया भाई, तेरे को क्या मिर्ची लग गई आप,
अर्जुन यहां पर बोल रहा है, कथम भीष्म, भैया कृष्ण तुम्हारा जो नाम है ना मधुसूदन है, तुम्हारा दूसरा नाम है अरिसूदन है, माने तुम मधु नाम के दैत्य को तुमने मारा है, और दूसरा तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा तुम्हारा नाम है अरिसूदन, माने शत्रुओं को मार, तुम्हारा नाम दादाजी को और तुम्हारे शिक्षक सांदीपनि मुनि को मारने से नहीं चालू, तुम्हारा नाम दैत्यों को शत्रुओं को मारने का, तो तुम मुझे क्यों मारने के लिए कह रहे हो सारे लोगों को। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम जैसे अरिसूदन है ना, तुमने सिर्फ शत्रुओं को मारा है, तुम मुझे मेरे अपनों को क्यों मारने के लिए कह रहे। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन जबरदस्त जानबूझकर दो शब्द इस्तेमाल करता है कृष्ण के लिए, मधुसूदन अरिसूदन, और उधर कहता है कथम भीष्मम अहम सांख्य द्रोणम, तुम्हारा नाम न तो तुम्हारे दादाजी को मारने से आया है न तो तुम्हारे शिक्षक को मारने से आया है, तुमने जितनों को मारा है वो सारे शत्रु थे, ये मेरे शत्रु नहीं ये मेरे अपने लोग हैं, तो तुम मुझे क्यों मेरे अपनों को मारने के लिए उकसा रहे हो, क्या अर्जुन का शब्द है चौथे शब्द, गुस्सा हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं ना तो उसकी मानसिकता थोड़ी समझ लें। अब अर्जुन ऐसी मनस्थिति में है कि पूरा हतबल हो चुका है, उसमें कृष्ण ने सीधा क्या किया, डायरेक्ट फायरिंग चालू कर, ऐसा मत कीजिए कभी भी। कोई भी व्यक्ति को जब बात सुननी होती है ना तो उसे वो सुनने की मनस्थिति में आप पहले लाइए, उसको पूछिए कि भाई तुम किस स्थिति में हो, ये तुम्हारी स्थिति कैसे हुई, उसको अच्छा लगना चाहिए, तब उसका मन तैयार होता है सुनने के लिए। जैसे हम बाहर जब कथा कीर्तन करने के लिए जाते तो हम हमेशा हमारा क्वालिफिकेशन बताते कि भाई सलाना फलाना इतनी सारी डिग्रियां हमारे पास, इतने बड़े बड़े कंपनियों में हमने काम किया है, क्यों बता दें, क्योंकि वो जब व्यक्ति सुनता है ना तो उसका मन सुनने के लिए तैयार होता है, इतना बड़ा व्यक्ति था इतना पैसा था फिर भी छोड़ दिया, अच्छा कुछ तो होगा तो कुछ सुन लेते। तो किसी भी क्रिया से पहले उस व्यक्ति का मन तैयार कीजिए, माता पिताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माता पिता क्या करते सीधा जाकर झाड़ देते बच्चे को, अरे ऐसा नहीं होता, आप उस बच्चे की मनस्थिति, वो स्कूल में कुछ सीख कर आया है और आप घर पे आके के तो ये गलत है, अब गलत है ठीक है भाई, लेकिन उसको ये तो नहीं पता ना कि गलत क्यों है, अब अर्जुन को भी नहीं पता कि गलत क्यों है, अब तुमको उसको समझाना पड़ेगा ना पहले प्रेम से। अब कृष्ण यहाँ पर झाड़ तो दिए लेकिन अर्जुन इतना उपज गया तो उनको समझ गया गलत करेगी से बताया, तो अब कृष्ण 11वें श्लोक से उसको प्रेम से समझाएंगे, एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार नहीं, समझाते रहेंगे आखिरी चैप्टर तक, और एंड में कहेंगे भाई तुझे जो ठीक लगे वो कर ले, मैंने मेरा बताने का काम था मैंने बता दिया। जबरदस्ती मत कीजिए, माता पिता हम दोस्तों में भाई बहनों में क्या करते जबरदस्ती करते, हाँ वो भी समझने के पात्र है ना वो व्यक्ति, उसको भी भगवान ने अकल दी है। अब अर्जुन जैसा इतना बड़ा योद्धा वो नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि उसके पीछे कारण है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है उसके पीछे कारण है, कारण तो समझिए आप, जब कारण समझ जाएंगे तो अपने आप वो स्थिति को हैंडल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया उसको पहले झाड़ दिया, और अर्जुन सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था, तो अर्जुन क्या हुआ डिस्कनेक्ट हो, अर्जुन ने फिर भगवान को सुना दिया चौथे श्लोक में, ठीक है अब पांचवे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है अब यहाँ पर वो अर्जुन कह रहे पांचवा श्लोक आपके सामने, यहाँ पर गुरु नहत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामान गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुदिर प्रदिग्धान। वो कहता है अर्जुन अपने गुरु से कि मेरे लिए इस संसार में भैक्षम माने भीख मांगना बेटर है, हत्वार्थ कामान लेकिन मैं मेरे गुरुजनों की और मेरे दादा और मेरे रिश्तेदारों की हत्या नहीं करूं, भुंजीय भोगान और वो भोग नहीं भोगना चाहता जो रुधिर प्रदीक्षा रक्त से मखे हुए हैं कलंकित है ऐसे भोग में मैं नहीं चाहता। यहां पर सीधा सीधा अर्जुन बता रहे कृष्ण को कि मैं ऐसी चीजें नहीं चाहता जो दूसरों को मारकर मैंने जीती हुई है। तो अर्जुन यहां पर पांचवें श्लोक में क्लियर कर रहा, ठीक है छठे श्लोक के यहां पर अर्जुन बता रहे भगवान कृष्ण को न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषाम तेवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। यहाँ पर अनुवाद में वो बता रहे हैं
मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। देखिए, डर की ये बहुत बड़ी विशेषता है, वो आपको सही और गलत में बिल्कुल भेद नहीं करता, वो समझ नहीं देगा। तो यहाँ पर अर्जुन सेम एग्जैक्ट वही चीज, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कृष्ण कि मेरे लिए क्या अच्छा है, उनको जीतना अच्छा है या उनके द्वारा पराजित होना अच्छा है, कि युद्ध में हम उनको जीते या युद्ध में वो हमें जीते, क्या कंफ्यूजन है। देखिए, एक छोटा सा डर उसने इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। जिनका वध करके हम जीवित भी रहना चाहते हैं, वो धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ने के लिए सामने खड़े। इनके बगैर अर्जुन क्या कह रहा है, मैं इनके बगैर जी ही नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति उस डर को आनंद लेने लगता है, उस डर। जैसे कई बार देखिए आप, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये हमेशा बार बार कहते हैं, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो वो बीमारी है, मेरे तो ये दवाई चलो, मेरे तो वो दवाई चलो। क्यों क्यों बताता है बार बार? क्योंकि उसको जब सामने वाले कहते हैं, अरे यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ये बीमारी नहीं होनी चाहिए तुझे, छोटा मोटा कुछ हो जाए तो चल जाता, तो इसमें वो क्या सुख ढूंढ रहा है, सांत्वना रूपी सुख ढूंढ रहा है। जब कोई व्यक्ति ये, कि जैसे ये लड़की कह रही थी, मुझे मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला, मुझे मेरे पिता का प्रेम नहीं मिला, ठीक है ना, आपको आपके पिता का प्रेम नहीं मिला, वाकई में गलत बात है, लेकिन वो नहीं मिला कि तो तुम जिंदगी नहीं जी सकते हो, ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्ट स्थिति यही अर्जुन की हो रही, उसको लग रहा है ये नहीं मिलेंगे तो मैं जीत कर भी कोई फायदा नहीं, नहीं साहब बहुत फायदा है, ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आप डरे हुए हो। और डर को कैसे कम किया जाता है, उससे रूबरू होइए, आमना सामना कीजिए उस डर का, तभी डर कम होता है। जैसे वॉरेन बफे अपने एक स्पीच में कह रहे थे कि वो पहले इतना डरते थे स्टेज डेयरिंग से, तो उनको लगा कि यार स्टेज डेयरिंग नहीं करूंगा तो मैं कभी व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाऊंगा, तो उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लगाया, एनरोल किया, वापस नाम हटा दिया। तो उनके कुछ दोस्त थे जो उसकी तरह डरते थे, लेकिन उन्होंने वो कोर्स पूरा किया, सर्टिफिकेट पाया और बहुत अच्छी पोस्ट पर चले गए, तो उसको तब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अगर ये कर सकते तो मैं। उसने एनरोल किया, कोर्स कंप्लीट किया और देखिए आज वो दुनिया के करोड़पतियों में से एक है, टॉप 5 में आते। आमना सामना करना पड़ेगा आपको, बिना आमना सामना किए आपका डर नहीं जाने वाला, सिंपल है, ठीक है। तो डर को किस तरीके से हमको हैंडल करना है, सामना, स्वीकार कर लीजिए कि मैं डरता हूं। दूसरा क्या है, हाँ, कि इसका मुझे सामना करना है, इसके विषय में जब मैं नॉलेज हासिल करूंगा तो ये डर जो है अपने आप चला जाएगा। और डर कहाँ से आता है, गलत तरीके के बिलीफ सिस्टम से आता है, गलत तरीकों की धारणाओं से आता है। जैसे कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरे पति मेरे सामने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि अचानक लाइट चली जाती है, डर लगने लगता है, क्यों, भूत आ जाएंगे, ये उसकी मान्यता है, आते भी नहीं लेकिन उसको लगता है नहीं, ऐसा पहले बचपन में सुना। ये मान्यता को आपको हटाना पड़ेगा, ये जैसी हट जाएगी आपका डर भी धीरे धीरे करते करते सब निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगले श्लोक में और एक महत्वपूर्ण चीज सीखनी है। यहाँ पर अर्जुन जो है, अब देखिए अर्जुन इतने डर चुके हैं, अर्जुन खुद कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम रूहित तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्न। अब अर्जुन इतना भयंकर कंफ्यूजन में, लेकिन एक बढ़िया बात की उसने, पृच्छामि त्वां, पूछिए ना किसी से, किसी व्यक्ति की मदद लीजिए ना, शर्मा क्यों रहे आप, शर्माते क्यों, एक बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप मदद लेकर इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। पृच्छामि, वो पूछ रहा है अर्जुन कृष्ण को, नहीं समझ में आ रहा है कृष्ण, बहुत कंफ्यूजन है। यह श्रेयस्या निश्चितम, निश्चित करके मुझे एक चीज बता दो कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। ये स्थिति में जब व्यक्ति आए ना, तो उसको सलाह दीजिए आप, फुकट के सल्ले मत दीजिए। जब कोई व्यक्ति सामने से आकर, अभी कृष्ण ने उसको झाड़ दिया, पता होगा समझ गया यार गलती हो गया, इसको समझाना ही नहीं चाहिए। अब जब इतना कंफ्यूजन बढ़ गया और सातवें श्लोक में अर्जुन खुद कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है कृष्ण, यह श्रेयस्या, तुमको जो ठीक लगे ना वो तुम मुझे बताओ, मैं पालन करने की कोशिश करूंगा। शिष्यस्ते हम शादी माम कौम, और यहाँ पर कृष्ण की शरणागति लेते हैं अर्जुन, शिष्य बन जाएंगे अभी अर्जुन कृष्ण के। और शिष्य माने क्या, शिष्य इति शिष्य, शिष्य की व्याख्या क्या है, शिष्य की व्याख्या क्या है,
जो वॉलेंटरली आता है डिसिप्लिन करवाने के लिए खुद को, उसको कहते हैं शिष्य। ये व्याख्या है, डेफिनेशन है। जो खुद होकर आता है और कहता है कि मुझे ताड़िए और मुझे समझाइए और मुझे सिखाइए, मुझे ट्रेन कीजिए, उसको कहते हैं शिष्य। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शादी माने क्या, मुझे शिक्षा दीजिए, मेरे मन को गाइड कीजिए, मेरे मन को इस भयंकर अंधकार में भय से बाहर निकालिए। प्रपन्नम, मैं आपका पूरी तरीके से शरणागत। जब तक ये शरणागति नहीं लेंगे, तब तक गीता आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसके लिए गुरु की अत्यंत अत्यंत हमें आवश्यकता है। अब आठवें श्लोक में ये कहेंगे, नहीं प्रपश्यामि मम आपनुपत्या यशो कमुशोषण इंद्रियाना। अभी भी देखिए उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। बोला मेरा गला सूख रहा है, इंद्रिय सूखने लग गई है, इंद्रिय मेरे बहुत उत्तेजित हो चुके। अवाप्य भूमो असपत्न रिद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखा रहा है जिससे ये मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो दूर हो। देवताओं का राज्य भी मिल जाए ना कृष्ण, तो भी ये शायद मेरा जो शोक है वो दूर नहीं होगा। देखिए उसके मन ने उसको कितना कन्विंस करके रखा है, ये भी कर लेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है तेरा, तेरा नाम खराब ही होगा, तो युद्ध कर ही मत। क्या कन्विंस करता है माइंड हम, क्या जबरदस्त कन्विंस करता है माइंड कि यही सही है, यही तेरे लिए अच्छा है। वो आगे देखने ही नहीं देता क्योंकि डर है ना, मैं देखना नहीं चाहता। जैसे ऊंचे बिल्डिंग पर जाते हैं ना, हम जानबूझकर नीचे नहीं देखते, क्यों, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं सच्चाई नहीं देखना चाहता कि हाँ मैं 100वें माले पर नीचे गिर जाऊंगा तो हड्डी टूट जाएगी, बचूंगा भी नहीं। अर्जुन रियलिटी को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसका डर उसे नहीं देखने दे रहा है। तो यहाँ पर वो बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन देकर भी अर्जुन यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने मान्यता बना के रखी है। और आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ता है, सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ता है। आप 9वें श्लोक में जो अर्जुन की ऐसी भयंकर स्थिति संजय ने देखी, तो संजय को टेंशन में, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परम तप न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अभी हमने देखा 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। और 9वें श्लोक में क्या कह रहा है अर्जुन, न योत्सेति गोविंद, मैंने लड़ूंगा कृष्ण, मुझसे नहीं होगा ये, इतने में तो कहा यार तू जो कहेगा वो करूंगा। अब यहाँ पर 9वें श्लोक में कह रहा है, नहीं होते मैं नहीं लड़ूंगा कृष्ण, छोड़ दो ये सब युद्ध युद्ध नहीं करना। उक्त्वा तूष्णीं बभूव, ऐसा करके चुपका चुपचाप फिर से रथ पर बैठ गए। कौन बैठ गए, वो अर्जुन जो गुड़ाकेश है, जिसने अज्ञान को जीत लिया है, नींद को जीत लिया है, वो अर्जुन अब फिर से भी मोहित हो गया है, मोहित हो चुका है, अज्ञान में आ चुका है। तो ये कहकर अब क्या होता है, 10वें श्लोक में जब भगवान हंसने लगते, अभी तो बोला है शिष्य से हम शादी में आता हूँ, तो हंस क्यों रहे भगवान 10वें श्लोक में, तामोवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्वयोर मध्ये विषीदंतम इदं वच। प्रहसन, हंसने लगे, क्या यार मेरा दोस्त है, एक साथ खाए पिए सोए बैठे उठे, अभी मेरा दोस्त मेरा शिष्य बन जाए, कमाल की बात है यार। इसलिए हंस रहे, बन ये मेरा दोस्त है, मेरा सम उम्र का है और ये मेरा शिष्य बनेगा। और शिष्य भी कैसा बन रहा है, पहले श्लोक में कहता है तुम जो कहोगे वो करूंगा, और 9वें श्लोक में कहता है मैंने लिए युद्ध करूंगा, माने फिर से उसके मन की बात सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति को मुझे हैंडल करना। तो वो व्यक्ति का डर किस तरीके से निकलेगा वो हम अगले सिटिंग में देखेंगे। कि अभी तो पहले हमने सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक चीजें समझी, डर क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, डर को कैसे हैंडल करना है और उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है। अगले श्लोकों में इसकी श्रृंखला आएगी 11वें श्लोक के बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं आपके माइक को अनम्यूट करता हूं। ओके, 1 मिनट। हाँ बोलिए, मैंने आपका माइक खोल दिया है, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको टाइप करके चैट बॉक्स में भेजना है, वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सेशन को अंत करें। किसी का कोई प्रश्न है?
तो आज के सत्र में, हाँ स्मिता भाई मैं अनम्यूट करूँ सकता हूँ, तुमसे माइक बंद है। आता आता करून बघा। हाँ आला आला, आवाज आहे, आवाज हो, बोला। तुमचा आवाज कमी आहे स्पीकर। ताई म्हणून आहे त्यांच्या इथे आवाज येतो। अच्छा हाँ हाँ, ह्या वेळेस ह्याच्यामध्ये पाठांतर साठी कोणते श्लोक आहे? मी सांगतो तुम्हाला। बेसिकली आपल्याला हा शिष्य स्वयं शादी माम त्वाम प्रपन्नम तोच पाठ करायचा आहे। एकच श्लोक राहील याचा पहिल्या सेशन कितवा म्हणजे सातवा 2.7 ते गेल्या वेळेसचे जे पाठ करायला सांगितले होते ना, 39 40 41 42, बरोबर त्याच्यामध्ये चार। थोडंसं असं कन्फ्युजन होतं की दोन तीन ठिकाणी म्हणजे गुगलवर पाहिलं तर 39 आणि 40 ह्या नंबर मध्ये थोडेसे बदल होते. हो असेल काही ठिकाणी होतो, पण टोटल श्लोकांची संख्या हा मग तुम्ही सातशेच येणार। तुम्ही 39 सांगितला होता तो 39 धरला, कारण काही बरोबर ठिकाणी तो काही 40 ठिकाणी म्हटलं होतं. 39 ची एक लाईन 40 मध्ये येईल, कारण मागचे श्लोक। आता जर तुम्ही गीता प्रेसचं जर उघडलं आणि आपली गीता जर उघडली तर तुम्हाला थोडी तफावत दिसेल। तफावत म्हणजे काय, श्लोक सारखेच आहेत पण एक लाईन कुठणाची वरती घेतली गेली आहे, म्हणजे तो श्लोक वरच्या ह्याच्यात गेलाय आणि दुसरा जो श्लोक सुरू होतो तो खालून सुरू होतो, ते एवढीच तफावत आहे। तुम्ही आता ते सेशन मध्ये आहे ते आम्हाला पाठवणार होतात ना ग्रुपवर, ती काय ते, पीडीएफ हाँ ती सॉरी पीडीएफ सॉरी हो मी विसरलो, मग मी एकदा तीच पाठवतो। रेफर करू म्हणजे मग सेम येईल असं. चालेल चालेल, येस येस, आणि ते मी पाठवलं, पण पाठवायला मी मुलीला सांगितलं थोडासा उशीर झाला, म्हणजे मी हाँ आज हाँ पाठवलं पण थोडा हो मी उशीर झाला, पाहिला, आत्ताच सॉरी. पाहिला हा मेसेज पाहिला। सॉरी त्याच्याबद्दल. नाही नाही काय, अरे हरे कृष्ण प्रभूजी. सुनील सर, हरे प्रभूजी, कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण सुनील प्रभू, काय आले नाही ईश्वर तुम्ही नाशिकला मी तिकडे गेलेलो आपल्या वाड्याला? देहूला, अच्छा अरे नाही देहू वा, देहू देहू. अच्छा अरे वा, छान छान, सांगा ना काय प्लीज। ईश्वर जीव प्रकृती काळ आणि कर्म पाच पैकी बरोबर ईश्वर जीव प्रकृती आणि काळ हे शाश्वत आहेत, बरोबर, आणि मग कर्म का शाश्वत नाही? कारण कर्म हे आपल्याला नष्ट करता येतात। कर्माची फळ, कर्म म्हणण्यापेक्षा कर्माची फळं आहेत ती, ऍक्च्युली ती आपल्याला नष्ट करतात। समजा एखाद्याने काही पाप केलं आहे, पापाची फळं आहेत, तर जसं कर्म आणि निर्दहति किं तुच भक्ती भाजा, ब्रह्माजी सांगतात ब्रह्मसंहितेत की जर कोणी कृष्ण भक्ती करत असेल तर त्या कृष्ण भक्तीच्या शक्तीने ही पापांची फळं सुद्धा नष्ट करता येतात। कोणी तपस्येने करतं, कोणी वेगवेगळ्या पद्धती दिलेल्या आहेत शास्त्रांमध्ये, त्या पद्धतीने त्या फळांना नष्ट करता येतं, म्हणून ते शाश्वत धरलं जात। प्रभूजी थँक यू प्रभूजी. हो हो हॅलो प्रभूजी. हो बोला। भीती ही तुम्ही चांगली सांगितली, तर ती चांगली कुठल्या संदर्भात सांगता येईल आपल्याला? भीती ही तुमच्या संरक्षण, आपल्या सगळ्यांच्या संरक्षणासाठी निसर्गाने दिलेली देण आहे, पण ती भीती वाईट कधी होते, ज्या वेळेला त्या भीतीचं जे प्रमाण आहे त्या प्रमाणाला अतिरेक होतो आणि त्या अतिरेकामुळे काय होतं, आपण आपला संयम गमावतो, तेव्हा ती घातक ठरते। हरे कृष्ण. अरे हा सौरभ बोल। हरे कृष्ण प्रभूजी. हो एक मिनिट, सौरभ हरे कृष्ण प्रभूजी, बोल आवाज बोल। येतोय अरे कृष्ण प्रभूजी. माझा एक मित्र आहे, त्याला एक असं म्हणजे भ्रम का असा निर्माण झालाय की तो म्हणतो की मी फक्त भक्ती करून माझं करिअर सेटल करेन. की म्हणजे त्याला असं झालं की त्याला ना अभ्यास करायचा आहे, तो म्हणतो की भगवंत माझं जे आहे ते मीन्स, म्हणजे मला समजत नाही कसं एक्सप्लेन करू, हो बट मला तो आलं म्हणतो लक्षात। की तसंच सेटल करायचं की भगवंत सगळं बघून घेतील, म्हणजे बरोबर तो त्याचे कर्म सोडतोय. बरोबर एक्झॅक्टली कर्म करेक्ट करायचे आत्ताच्या कंडिशनला की आपल्या प्रिपरेशन करायचे, आपण जो काही बरोबर अभ्यास करतोय ती प्रिपरेशन बरोबर सोडून तो
की बाकी सगळं मोहमाय फक्त भक्ती करू, पण असं म्हणजे एक प्रॅक्टिकली बघितलं तर मग पोटपोटी मारणार आहेत असं. तसं असतं तर अर्जुनाला काय युद्ध करायला लावलं कृष्ण? तेच माता त्याला एक समजव म्हणजे त्याला समजा. काही वेळेला कसं असतं ना, मुलं भावनांच्या आहारी जाऊन ह्या हे सगळे निर्णय घेतात, कारण कुठेतरी त्यांना ते अभ्यास करायचा नसतो किंवा त्याच्यात तेवढी रुची नसते, म्हणून ते मग अशी वेगवेगळे मार्ग शोधतात. तर ऍक्च्युली हे पुढे जाऊन त्याच्यासाठीच घातक ठरेल, कारण जसं अर्जुन म्हणतो ना मी संन्यास घेईल आणि जंगलात जाईल, तर भगवंत त्याला सांगतात ठीक आहे संन्यास जरी घेतला तरी तुझं मन तुझ्या ताब्यात नाही, तर ते मन जाऊन तुझ्यावर उद्या हावी. तर जसं ह्या मुलाचं मन आता इतकंही प्रगतिशील नाही आहे की तो भक्तीत पूर्ण काळ देऊ शकतो, म्हणजे हा पुढे जाऊन भक्ती पण नाही करणार. जो व्यक्ती आहे ते कर्तव्य व्यवस्थित करू शकत नाही तर तो निश्चित रूपाने भक्ती नाही करू शकणार पुढे, मी गॅरंटी. म्हणजे तो जे सांगतोय ते फक्त एक पळवाट आहे त्याची, जशी अर्जुनाने पाच पळवाटा सांगितले. ठीक आहे, हो चालेल. हरे कृष्ण. गौरी काही प्रश्न होता? हरे कृष्ण प्रभूजी. हो, मला असं विचारायचं होतं की जपमाळेमध्ये 108 मणिका असतात. 108 मण्यांचे भरपूर कारण आहेत. जसं 108 प्रमुख उपनिषद आहे, तर साधक त्या दृष्टीने पण 108 मण्यांची माळा करतात. 108 मुख्य गोपिका आहेत. आता जसं आपण कृष्ण भक्तीत आहोत, तर जो मुख्य मेरुमणी आहे तो कृष्ण आहे, आणि 108 ज्या त्यांच्या प्रमुख गोपिका आहे, तर एकेका मंत्रावर आपण त्या त्या गोपिकेचं स्मरण करतो आणि तिला प्रार्थना करतो की मला कृष्ण भक्ती अजून प्रगती करू द्या, मला अग्रेसर होऊ. तर असं आपण त्याच्यात वेगवेगळे त्याचे कारण आहेत. 108 म्हणजे एक तर 108 उपनिषद असतील, 108 गोपिका असतील, अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, म्हणून तो 108 आकडा आपण घेतो. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण गुरु. हो बोल. बोलू काय? हो बोला ना. मी राधानाथजींचं जे तुषार्थ पथिक म्हणून पुस्तक आहे ते वाचलं, तर त्यामध्ये त्यांनी असं स्पष्ट केलंय की जोपर्यंत सर्व प्रकारचं जे भय आहे, सर्व प्रकारचं भय आपल्या जीवनातून जात नाही तोपर्यंत आपण भक्तीमध्ये अग्रेसर होऊ शकत नाही. जसं तुम्ही आता भयाबद्दल खूप काही सांगितलं आम्हाला, तर तेव्हा मला तो संदर्भ आठवला की ते म्हणाले त्या पुस्तकामध्ये की जीवनामधला आपलं सर्व प्रकारचं भय, जे पण ज्या पण गोष्टीची आपल्याला भीती असेल, आपल्याला मृत्यूची भीती असेल किंवा आपलं पुढे काय होईल, किंवा आपण नुसतं भविष्य किंवा वर्तमान काळामध्ये न जगता आपण भूतकाळामध्ये जगत असतो, सर्व गोष्टींची आपल्याला भीती असते. सर्व प्रकारचं जे भय आहे ते भय जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत आपण भक्तीमध्ये अग्रेसर होऊ शकत नाही. म्हणून आपल्याला जसं आता अर्जुनाने गुरु स्वीकारलाय ना, तसा आपल्याला गुरु स्वीकारायचा असतो, कारण गुरु त्याच्या शक्तीने आपल्या हृदयातलं असलेलं भय नष्ट करू शकतात. यस प्रभू. म्हणून आपल्याला गुरुचा आश्रय घ्यायचा. प्रभूजी, महाशिवरात्र जी आहे, तर महाशिवरात्रीची जी रात्र जी असते ती कुठली पकडायची? महाशिवरात्र यावेळेस मला वाटतंय 1 तारखेला येते वाटतं. 1 तारखेला आहे, बरोबर 1 तारखेला. मग ती 28 रात्र की 1 तारखेचीच मंगळवारची? मंग 1 तारखेची रात्र घ्यावी. 1 तारखेची म्हणजे मंगळवार. हो, 1 तारखी मंगळवार आहे का? हो, मंगळवार आहे, महाशिवरात्री मंगळवारी आलेली आहे. हा मग बरोबर आहे ना. मग बरोबर, म्हणजे तुमची 2 तारखेची 7 वाजेनंतर तुमची रात्र सुरू होईल. 7:25 वेळ आहे याच्यात. 1 तारीख 1 मार्च 7:25 म्हणजे तिथून रात्र सुरू होईल, शिवाची रात्र सुरू होते. शिवरात्रीची. शिवरात्रीची. ओके ओके. बुधवारी आपला समजा पारणा असणार आहे त्या उपवासाचा. तुम्ही करू शकता. आपण वैष्णव पण करतात शिवरात्री. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा प्रभूजी, असंच एक आता एकादशीचं पण आहे, शनिवारी पण आहे कॅलेंडर मध्ये आणि रविवारी पण आहे. बरोबर. कुठली एकादशी आपण पकडायची, शनिवारची का रविवारची? आपण वैष्णव तिथी पालन करतो. तिकडे एक स्मार्त एकादशी असेल, एक भागवत आहे.
आणि एक भागवत एक आपण भागवत एकादशी करतो सगळे जे वारकरी आहेत ते भागवत एकादशी करतात प्रभूजी हो मी जसं स्टुडंट मी एनडीएची परीक्षाची तयारी करतोय मग मला हे विचारायचं म्हणजे मला इंडियन आर्मीत जायचं म्हणजे आर्मीत जाऊन देशाची रक्षासाठी जे म्हणजे आतंकवादीला मारता म्हणजे त्यांचा कर्म कसं असतो म्हणजे देवाप्रमाणे तुम्हाला ऑफिशियल आहे ना त्याचं थोडी पाप लागेल तुम्हाला कारण ते तुमच्या ऑथॉरिटीने सांगितलंय ना तुम्हाला आणि देशाच्या रक्षणासाठी करताय तुम्ही तुम्ही काय मजा मस्ती म्हणून किंवा दुसऱ्याची जागा घेण्यासाठी तुमचं आता रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध चालू का फक्त जमीन पाहिजे दुसऱ्याची त्याच्यात लोक मरो सिटीजन मरो मग इथं रशिया दंडित होईल कारण का कारण ते दुसऱ्या देशासाठी योग्य नाही त्याच्या लोकांसाठी योग्य इथे तुम्ही आतंकवाद्यांना रोखण्यासाठी करता तुमचं उलट चांगलं कर्म आहे तर क्षत्रियांना असं म्हटलं गेलंय की जर ते युद्धात मारले गेले तर त्यांना सरळ स्वर्ग प्राप्त होतो सर म्हणजे देश रक्षणासाठी मरणे चांगले आहे हो का नाही जन्म काय भगवान रामचंद्र म्हणतात ना स्वर्गात अपि गरीयसी की माझी जी मातृभूमी आहे ती मला स्वर्गापेक्षा जास्त प्रिय आहे भगवंत पण आपल्या मातृभूमीवर प्रेम करतो ओके अजून कोणाला काय सर पण ते जसं ते आतंकवादी असतात मग त्यांना पण म्हटलं जात नाही त्यांच्याकडचे लोक म्हणतात म्हणजे त्यांच्या ब्रेन वॉशिंग मध्ये ते म्हणता ना तुम्ही तुम्ही जर त्यांना जाऊन मारणार जाणार तुम्हाला पण स्वर्ग भेटणार मग म्हणजे कन्फ्युजन का असतो म्हणजे त्यांना फायदा होतो का आपल्याला होतो म्हणजे आपण आपल्याला होतो पण हे बघा सर मग कशाला करता कुठल्या युद्धात फायदा होईल पहिले ते सांग आता जसं दुर्योधन आहे दुर्योधनाच्या मनात चांगले उद्देश होते का नाही दुसऱ्याची जमीन होती जबरदस्तीने हडप करायची मग दोघांचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी युद्ध झालं बरोबर हे झालं धर्मयुद्ध कारण तू समोरच्याला सांगतो तुला जर तुझी जमीन पाहिजे तर युद्ध करून घेऊन जा तू जिंकला तर तुझी मी जिंकलो तर माझी म्हणजे ऑफिशियल युद्ध आहे आतंकवादी कधी तो ऑफिशियल युद्ध करतो त्याच्यामुळे ते धर्म कॅटेगरीत येतच नाही ते अधर्मिकच झालं ते किती का बोंबा मारे ना की आमचा धर्मी धर्म नाही ते येणारच नाही कारण तुम्ही समोरासमोर युद्ध करत नाही समोरची आर्मी आणि तुमची आर्मी एकच समोर येऊ द्या आणि करा युद्ध ज्याचा निकाल लागेल त्याची जमीन हे धर्मयुद्ध झालं तुम्ही जेव्हा लपून छपून करता तर ते कुठल्याही रीतीने धर्म होत नाही ते अधर्मच होतो पण जर अधर्म असेल तर त्याला उच्च गती कशी देणार मी प्रभूजी हा प्रभूजी हो आपण आयुष्यामध्ये गुरु करणं गरजेचं आहे हो तर माझे या ठिकाणी दोन उपप्रश्न आहेत त्या संदर्भात एक पहिला म्हणजे की जो गुरु आपले मानू देहधारीच पाहिजे की मूर्ती रूपातले पण चालतील जसं आपण श्रीकृष्ण भगवान आपण गुरु मानलं गुरु मानलं मला एक हो बरोबर चांगला प्रश्न आहे तर मग जर देहधारी जर नाही मानला म्हणजे मूर्ती रूपात जर मानला तर एकलव्याने द्रोणाचार्यांना गुरु मानलेलं आणि शिक्षा घेतलेली तर त्यामध्ये त्यांनी गुरु दक्षिणा त्याचा अंगठा मागितला म्हणजे पुतळ्या म्हणजे एक पुतळा बनवला बरोबर म्हणजे त्या ठिकाणी देह त्यांनी समोर ठेवला नाही तर मग ही गुरु दक्षिणा घेणं गुरुकडनं योग्य आहे का पहिला प्रश्न गुरु करणं योग्य गुरु हा नाही नाही प्रश्न माझा असा आहे की गुरु हा मानव देहधारीच असला पाहिजे की मूर्ती रूपातला देहधारीच असला पाहिजे कंपल्शन आहे का त्याच्यामध्ये हो कारण कारण भगवान कृष्णाने त्यांच्या उदाहरणातनं ते शिकवलंय यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्तत एवे इतर जन भगवान माझा प्रश्न असा आहे प्रभूजी की गुरु हा असतं गरजेचं मी त्याच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे पण ते सांगतो तो देहधारीच असला पाहिजे तो देहधारीच एकलव्याने जो गुरु केलेला मी सांगतो मी सांगतो ना तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नावर पण येऊ ना आपण पहिला पहिला प्रश्न तर क्लिअर होऊ दे भगवंताने त्यांच्या उदाहरणातनं लोकांना काय शिकवलं की गुरु देहधारी असला पाहिजे का देहधारी असला पाहिजे समजा उद्या मला माझ्या आध्यात्मिक जीवनात काही अवघड स्थिती निर्माण झाली बरोबर
तुम्ही विग्रह रूपी गुरुला काय विचारणार की यातनं मी कसं बाहेर निघू, काय बोलतील ते तुम्हाला, काय बोलतील ते? बोलणार नाहीत पण आत्मामध्ये. तुम्हाला कसं कळेल की तुम्ही चुकताय की बरोबर आहे? तुमचा कान पिळायला कोणीतरी पाहिजे की नाही तिथे? हो नक्की. हा मग त्याच प्रकार. आणि बरं दुसरी गोष्ट, आता तुम्ही जे उदाहरण दिलं एकलव्याचं, एकलव्य काय करायचा, एकलव्य शाळेच्या बाहेर बसून ते शिकत होता, तो बघत होता की गुरु काय शिकवतो आणि ते शिकून येऊन तो इकडे प्रॅक्टिस करायचा त्याच्या गुरुच्या समोर. बरोबर. हे मी नाही सांगत, हे महाभारत सांगत. तुम्ही महाभारत वाचा, तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. ज्या वेळेला ते सगळे मुलं पांडव आणि कौरव बाहेर फिरायला जातात जंगलात, त्यावेळेला ते बघतात की एक कुत्रा भुंकत येतोय आणि कोणीतरी अचानक त्या कुत्र्याच्या तोंडात बाण फेकतोय आणि त्याचा आवाजच बंद होतो. झाली ही गोष्ट, ते मुलं जाऊन गुरुला सांगतात की एक असं झालं, एका शिकाऱ्याने बाण मारले आणि बरोबर अचूक भेटतात. मग ते गुरु म्हणतात की कोण आहे, मग ते जातात बघतात तर एकलव्य. मग तेव्हा जेव्हा एकलव्याला हे सांगतो, एकलव्य हे सांगतो की मी तुमच्याकडून शिकत होतो, बाहेर उभं राहून शिकत होतो आणि इकडे येऊन प्रॅक्टिस करत होतो, त्यावेळेला द्रोणाचार्य हे ओळखतात की ह्या मुलाला मला अंगठा घेणं का गरजेचं आहे, कारण हा जो नॉलेज माझ्याकडनं घेतोय, चोरून चोरून घेतोय, लपून लपून घेतोय, याचा उद्देश्य खूप मोठा नाहीये. म्हणजे जसं 9/11 टॉवर पाडलं, कोणी पाडलं? तेच विद्यार्थी होते जे अमेरिकेच्या फ्लाइंग स्कूलमध्ये शिकले होते, त्याच मुलाने ते टॉवर उडवून टाकले. नॉलेज घेणं चुकीचं नाहीये, त्याचा वापर कसा होणार आहे हे तुम्हाला माहिती. म्हणून ज्या वेळेला तुम्ही एकलव्य विषयी बोलतात, माझंही मत महत्वाचं नाही, तुमचं पण मत महत्वाचं आहे. महत्वाचं मत कोणाचं घ्यायचं आहे मला? व्यासांचं. व्यासांचं काय म्हणणं आहे एकलव्याविषयी? व्यासांचं धडधडीत म्हणणं आहे, त्यांनी त्याचा पूर्व इतिहास सांगितलेला आहे महाभारतात, हा मागच्या जन्मी कोण होता आणि त्याला हिरण्यधनुचा पुत्र म्हणून एकलव्य म्हणून का जन्म घ्यावा लागला? बरं एवढंच होतं तर मग तो पांडवांच्या बाजूने का नाही लढला? त्याला तो उभा होती. अरे एवढं जरी झालं तर धर्म जे पिता आहे, धर्मपिता भगवान श्रीकृष्ण, ते त्याला युद्धभूमीवर पण मरू देत नाही, त्याला युद्धभूमीच्या बाहेर जाऊन मारतात. म्हणजे काय, युद्धभूमीवर जर नेला तर त्याला उच्च गती मिळेल. तर भगवंत म्हणतात हा इतकाही पात्र नाही की याला युद्धभूमीवर मारता येईल. हे कोण करतंय? हे साक्षात भगवान कृष्ण जे धर्माचे पिता आहेत ते स्वतः करतायत. मग एकतर तुम्हाला बाहेरचे लोक सांगतायत त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल, किंवा भगवान कृष्ण जे सांगताय त्याच्यावर विश्वास ठेवा. आता तुम्ही ठरवा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. सोनल माता जी आपका कोई प्रश्न? हाँ, मुझे ये पूछना है, गुरु करने का प्रोसेस बताएंगे कैसे मतलब करना होगा? गुरु करने अगर आपको इस्कॉन में करना है तो आपको काउंसलर ग्रुप होता है. अच्छा. इसमें आपको वीकली या 15 डेज में एक मीटिंग होता है, उसको अटेंड करना पड़ता है. आपका जो भी साधना कार्ड है कि मैं 16 माला करता हूँ या करती हूँ, मैं प्रभुपाद जी की कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ, उसका अध्ययन क्या चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको शेयर करने के लिए एक मेंटर दिया जाता है, मतलब माताओं के लिए माताएं होती है और प्रभुओं के लिए प्रभु जी होते हैं, तो उनके संपर्क में वो आपको एनालाइज करेंगे 2 साल या 3 साल, फिर उसके बाद वो आपका रिकमेंडेशन भेजते हैं कि भाई मैंने 3 साल इनको बहुत अच्छी तरह से देखा है, ये इन्होंने कभी भी अपनी 16 मालाओं से ये चूकी नहीं है, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ती है, समझी है, उसको प्रैक्टिस में उतार रही है. जब वो देखते हैं तो फिर आपका रिकमेंडेशन जाता है, फिर वो मुंबई में जहाँ जिस भी किसी गुरु से आप लेना चाहेंगे, फिर वहां पर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर तो उसके बाद आपका सैंक्शन हो जाता है. अच्छा. और एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करके होता है, वो आपको पास करना होता है, जिसमें गुरु तत्वों को बड़ी गहराई से समझाया जाता है. 5 दिन का कोर्स होता है, उसका रिटर्न एग्जाम होता है, वो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाए आपका एडमिशन हो जाता है. मुझे तो काउंसलिंग ग्रुप से क्या हे आहे का, काउंसलिंग ग्रुप आता जे तुम्ही सांगितलं त्याचं काही म्हणजे व्हॉट हे आहे का? नाही, ते तुम्हाला फिजिकलच अटेंड करावे लागतात, कारण मग तुमच्या जीवनात काय चाललंय हे तुमच्या काउन्सिलरला पण माहिती पाहिजे ना. म्हणजे आता टप्प्याटप्प्याने आपण सगळे नियम पालन करायला लागलोय, मेन नियम मध्ये तुटले तर मग परत तिथून सुरुवात केली जाते, तिथून पुढे 2 वर्ष धरले जातात. कारण तुम्ही ज्या वेळेला गुरुला वचन देता
मग ते वचन काही फक्त मला तात्पुरतं नाही, मला आयुष्यभर निभवायचं. जसं लग्न केल्यानंतर पती पत्नीशी आणि पत्नी पतीशी एकनिष्ठ राहते, त्याच प्रकारे शिष्याकडून ही अपेक्षा केली जाते की गुरुने जे जे सांगितलं आहे, गुरुला जे जे वचन दिलंय ते त्याने आयुष्यभर पाळा. मग जेव्हा तुमच्या मनात ही पूर्ण श्रद्धा होईल की मी आता हे सगळं आयुष्यभर कुठल्याही स्थितीत पालन करू शकतो, तेव्हा तुम्ही दीक्षा घ्यायला पुढे यायचं असत. अवघड प्रोसेस राहते म्हणजे गुरु करण्याची. हो माताजी, तेवढं ते रिस्पॉन्सिबिलिटीचं काम आहे ना, कारण मी जे काही पाप करणार आहे की चूक करणार आहे त्याचा दंड माझ्या गुरुलाच भोगायचा. कारण यज्ञाच्या वेळेला गुरु काय करतात, यज्ञ ज्या वेळेला होत त्यावेळेला गुरु मागच्या सगळ्या जन्मांचं आपलं पेटी सगळी सामावून घेतात त्यांच्याकडे, आणि याच्या पुढे ते यज्ञात जेव्हा त्यांची आहुती टाकतात, ते यज्ञात आहुती टाकताना सांगतात भगवंताला की हा जर चुकला तर तुम्ही मला दोषी द्या. गुरुजी आता आपण गुरु केल्याच्या नंतर आपले इथून मागे जे काही झाले असेल ते तिथे यज्ञामध्ये हे होऊन जातात, म्हणजे भस्म केली जातात. बरोबर. अजून कोणाला काही प्रश्न? आपका म्यूट आहे माताजी, आपका म्यूट आहे. आवाज बहुत है. नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका. नहीं नहीं, कुछ तो आपके माइक में प्रॉब्लम. नहीं आ रही आपके, आपका म्यूट है, म्यूट दिखा रहा है. हाँ, अभी अभी खुला है. आवाज आवाज नहीं आ रही है. नहीं नहीं, टाइप टाइप करल संगत आपके माइक में. मुझे माला विचारे से होता. हाँ हाँ बोला. जैसा तुमसे कैमरा शुरू करो ना एक मिनट. आनंद एक मिनट त्यांना. अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है. अच्छा, ये डर से मतलब कैसे, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत डर है. मतलब मैंने आज आपका सेशन सुना तो ये मतलब टोटली मतलब मुझसे अटैच्ड है. मुझे डर लगता है अंधेरे से बहुत, तो उस पे कैसे हम लोग, जैसे अगर समझो मैं अकेले रह गई घर में इनकी, तो मैं सारी लाइट्स ऑन करके फिर मैं सोती हूँ, या फिर मैं कोई भगवान की मतलब एक विग्रह मेरे पास रखूंगी. अच्छा, तो ये अगले सेटिंग में और क्लियर हो जाएगा कि डर को कैसे हम डील करना है. बेसिकली ये डीलिंग का पार्ट है, क्योंकि ये मान्यताओं पर बेस्ड है. अंधाराचा फोबिया मला पण आहे प्रभूजी. हो का? खूपच जास्त. तू घाबरते की ते तुला घाबरते? नाही, मीच घाबरते आता तरी. प्रभूजी, मूर्ती आणि विग्रह याच्यामध्ये म्हणजे नक्की काय फरक आहे? खूप फरक आहे. मूर्ती म्हणजे ज्याची प्राण प्रतिष्ठा नाही झालेली आहे, आणि विग्रह म्हणजे विशिष्ट ग्रह. विशिष्ट ग्रह म्हणजे जिथे मी भगवंताला आव्हान करून बोलवतो, मग ती मूर्ती मूर्ती नाही, ती भगवंत होते साक्षात, त्याला विग्रह म्हणतात. म्हणजे त्यांची प्राण प्रतिष्ठा केल्याच्या नंतर स्थापना केल्याच्या नंतर. दुसरं एक होत प्रभूजी, मी इस्कॉनच्या आपल्या बरेचशा मंदिरात जाऊन आलो. मला थोडीशी शंका होती, असं बरेचशी मंदिर फर्स्ट फ्लोर ला आहेत, काही त्याच्या पाठीमागे विशेष काही कारण नाही का? नाही, युजली काय आहे ना, ते जागा बघून करावं लागतं. आता कमी जागा असेल तर मला प्रसादम हॉलला एवढी जागा परत मिळेल नाही मिळेल, म्हणून ते काय करतात, विग्रहांना वरच्या फ्लोअरवर ठेवतात आणि खाली प्रसादम हॉल टाकतात. बरेचशे ठिकाणी मी बघितलं वरती फर्स्ट फ्लोअरलाच होता. ते स्पेस स्पेस वाचावी म्हणून केलं जात, म्हणजे असं विशेष काही नाही. हाँ बोलिए माता जी. सोयल वो आपका आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है. आवाज आवाज नहीं आ रही. हम्म,
हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ बोला. मला एक प्रश्न होता कि जर का आपण म्हणजे मी 18 एज ची आहे तर सगळी स्टडी कम्प्लीट केली प्रभुपादांचे सगळे पुस्तक वगैरे आणि आपण दीक्षासाठी अप्लाय वगैरे एक्झाम वगैरे पण केली आणि इंटरव्ह्यू पास झाली तरी दीक्षा या एज मध्ये भेटू शकते का? हो हो काही प्रॉब्लेम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी गीता महात्म्य कोणी लिहिले? गीता महात्म्य पद्म पुराणातला भाग आहे. त्याच्यात भगवान शंकर माता पार्वतीला गीतेचं महात्म्य सांगतात चॅप्टर बाय चॅप्टर की हे हा अध्याय वाचल्यावर तुम्हाला काय फळप्राप्ती होते, तुम्हाला काय विशेष शक्ती प्राप्त होते. जसं 16वा अध्याय ज्याला अभय व्हायचंय तसं आता आपण भय या विषयी बोलतो. अभय जर कोणाला व्हायचं असेल तर रोज 16वा अध्यायाचा पाठ करायचा आणि खूप खरंच फरक पडतो त्याचा. तर प्रत्येक चॅप्टरचं महत्व महात्म्य आणि त्याच्याने काय फलप्राप्ती होईल हे गीता महात्म्यात सांगितलं. प्रभूजी आता आपण आपल्या घरी जे देव ठेवतो म्हणजे कुठले फोटोज वगैरे किंवा छोट्या छोट्या मूर्त्या वगैरे ठेवतो मग आपण त्यांना तर मूर्ती म्हणायचं का विग्रह म्हणायचं मग? पण आपण तर त्यांची काय प्राण प्रतिष्ठा वगैरे करून असं काही तर नाही हे करत. प्राण प्रतिष्ठा जर केली ना तर त्याचे खूप कडक नियम असतात. त्याच्यामुळे युजली आपण ग्रहस्थ भक्तांना तोपर्यंत ते खूप परिपक्व होत नाही तोपर्यंत आपण त्यांना प्राण प्रतिष्ठेची अनुमती देत नाही. कारण त्रुटी जर झाली तर त्यांना त्याचा दंड भोगावा म्हणून ते आपण युजली करू शकतो. आता तुमच्या घरी काय विधी झाली हे मला माहिती नाही त्याच्यामुळे सांगता येणार अवघड. नाही मी आपल्या मी जनरली विचारलं आपण जनरली घरी आणतो कुठे गेलो देव पंढरपूर स्वागत करून आणतो आपल्याला वेलकमिंग म्हणतो त्याला वेलकमिंग म्हणतात. किंवा आता महाराष्ट्र जसे घराघरामध्ये बहुतेक पावकीमध्ये असे कुलदैवत वगैरे असतात त्यांच्या तर आपण पूजा वगैरे करून ठेवतो कार्य वगैरे करून ठेवतो ते वेलकमिंग केले ते प्राण प्रतिष्ठित नसतात. ओके हेमंत सर तुम्हाला काय विचारायचं आहे? आता आपण बोलले की शिष्य जर काही चुकले त्याचा दंड गुरुला भोगावा लागतो. गुरुचे हजारो शिष्य असतात बरोबर त्या शिष्यांकडनं कळत न कळत तर काही ना काही म्हणजे काही शिष्य हे अपरिपक्व अवस्थेमध्ये असतील ज्ञान नसेल बरोबर काही म्हणजे तर मग हे जे समीकरण आहे की गुन्हा एकाने करायचा किंवा चुकी एकाने करायची आणि त्याचा दंड दुसऱ्याने भोगायचा बरोबर ही किंवा हे एकदम सुंदर प्रश्न चांगला आहे सुंदर प्रश्न योग्य आहे का ते. याच्यात भगवंत पुढे 11व्या अध्यायात आपल्याला सांगतील की चुकून जर एखाद्याकडनं काही गडबड झाली चुकून नकळत जर झाली तर भगवंत पण त्याला माफ करू पुढच्या चॅप्टर्स मध्ये येईल भगवंत मी त्याला माफ करून ते गुरुला पण सहन करावं लागतं भगवंत म्हणतो ते मी स्वतः घेऊ. पण जाणून बुजून जर कोणी केलं तर मग गुरु पण भागीदार आणि शिष्य तर 100% भागीदार. कलियुगात गुरूंसाठी हे विधान आहे शास्त्रोक्त विधान आहे की जर तुम्हाला माहित नसेल की मी ज्याला शिष्य बनवणार आहे तो क्वालिफाईड आहे की नाही तर तुम्ही कृपया करून शिष्य भरणा वाढवू नका. हा सगळ्या गुरूंना आदेश आहे आणि तुम्ही बघा ना ज्यांनी कळत न कळत हजारोच्या संख्येने शिष्य बनवलेत ना आज तुम्ही त्यांची दुर्दशा बघा काय. कारण त्यांना या गोष्टीचा भानच नाहीये की प्रत्येक शिष्याचं 1/6 पाप त्यांना घ्यावं लागतं. असे हजारो शिष्य तुमचं गेलं कुठे भरणार? त्यांना काय वाटतं प्रतिष्ठामध्ये हजारो लोक मला पाय पडतात अहो तो खेळ तुमच्या लक्षात येत नाही किती तुम्हाला महागात पडतात. पडतोय बऱ्याच लोकांना महागात. सोपी गोष्ट नाही शिष्य बनवणं. गुरुर्न सस्यात जननीन सस्यात दैवमन सस्यात पितान सस्यात. तुम्ही पिता बनू नका आई बनू नका वडील बनू नका तुम्ही कोणाचं दैवत बनू नका जर न समुपैती मृत्यू जर तुम्ही मृत्यूच्या चक्रात त्याला बाहेर काढू शकत नसाल तर कृपया ह्या उपाधी लावून घेऊ नका. भागवताच्या पंचम स्कंदात येत महागात पडेल तुम्हाला. आ रही है लेकिन आवाज बहुत खरखर है आप. ठीक है
नहीं कह रही हूँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए, जितना आएगा मैं सुनता हूँ। मैंने कहा मैं आपको होमवर्क कंप्लीट करके भेज रही हूँ, तो उसमें कुछ करेक्शन होगा तो प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ यस मैडम, अभी तक ठीक भेजा है मैंने। अच्छा है मैडम, एकदम प्रॉपर है। प्रभुजी या वीक चे माझे चार श्लोक राहिले। कारण मी थोडं बाहेर होतो 2-3 दिवस, त्यामुळे थोडस राहून गेलो। 2 दिवसात पाठवतो प्रभुजी। येस येस प्रभुजी। श्लोक नंबर 7 करना है ना, सेकंड अध्याय 2.7। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभुजी। कोण है? अनिल इंगने बोलतोय। हाँ हाँ बोला। हरे कृष्ण। हाँ बोला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। असा विषय होता कि द्रौपदीला अर्जुनाने जिंकून आणलं होतं। हाँ आवाज येतोय प्रभुजी? हो। हाँ तर मग आईच्या आदेशानुसार पाची भावानी लग्न केलं। हो बरोबर। पण आता सद्यस्थितीमध्ये जर का मोठ्या भाऊची डेथ झाली असेल तर लहाना भाऊ त्याच्या पत्नीशी विवाह करू शकतो का? कारण ती तर आई समान आहे ना। अश्वमेध ग्वालंबम संन्यासम पैलपत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ती कलौ पंच विवर्जयेत। अलाउड नाही। अलाउड नाही पण मग ब्राह्मण लोक तर म्हणतात की शुद्धी करू आणि आपण लग्न लावून देऊ शकतो, करू शकतो। इमर्जन्सी केसेस मध्ये जिथे वंशावळी वाढवायची असेल किंवा समजा आता काही ठिकाणी दुसरा जो मुलगा असतो तो खूप काही क्वालिफाईड नसतो, शिकलेला नसतो, हीच मुलगी जी आहे ती तिला त्याला करून दिली जाते। पण शास्त्रात त्याला असं कुठे कलियुगासाठी संमती दिलेली नाही। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टान्सेस असतील तर तुम्ही करू शकता, ऍज पर शास्त्र ते नाही आहे तिथे कुठे विधान असतं। मग प्रभूजी त्याच्याने मोठ्या भावाला काय असं म्हणजे त्याच्या आत्म्याला वगैरे असं त्रास होणं किंवा असं काही गोष्टी होऊ शकतात का? या कोणाच्या म्हणजे मोठ्या भावाला ज्याची पत्नी होती ती लहान्याने केली आहे, मोठ्याला ज्याची डेथ झाली त्याचा त्याला त्याच्या आत्म्याला सगळे त्रास होऊ शकतो का या गोष्टीचा? जर तो त्याच्या पत्नीशी आसक्त असेल तर मग होऊ शकतो ना त्याला। अच्छा, त्याच्या आसक्तीवर डिपेंड आहे तो किती आसक्त होता त्याच्या पत्नीशी। हरे कृष्ण प्रभूजी। हो हो। शेवटचा प्रश्न माझा की संत जनाबाई हो हो या पांडुरंग भक्त होता एकदम, सदैव पांडुरंगांचं नामस्मरण करायचा, अतिशय प्रिय भक्त। तर मग त्या ठिकाणी शेवटी जेव्हा त्यांचं देहांत झालं त्यावेळेस त्यांची अशी का अवस्था झाली असेल? कशी अवस्था? की त्या ठिकाणी संत जनाबाईंना चोरीचा आरोप लावलेला की यांनी रंगाचे दागिने चोरलेत किंवा काय ते हे चोरले आणि त्यांना सोळावरती लावलेलं आहे। बरोबर राईट ऐकूय। तर मग या ठिकाणी संत जनाबाईंनी सर्व सेवा केली, मनस्वी त्यांना गुरु मानतात, सगळं केलं, तर मग हे कुठल्या प्रकारचं आहे? तुमचा प्रेम विवाह आहे की अरेंज मॅरेज? आमचा अरेंज मॅरेज आहे। अरेंज मॅरेज। बर, तर जर एखाद्या प्रियकर आणि प्रेयसीचा संबंध असेल तर त्या संबंधात त्या संबंधात किती काय म्हणतो म्हणजे हा संबंध किती प्रगाढ आहे हे जर मला जाणून घ्यायचं असेल तर मला काय माध्यम आहे? जसं जनाबाईंचं विठ्ठलावर किती प्रेम आहे हे तुम्हाला कसं कळतं? ज्या वेळेला इतका चोरीचा आरोप लावून त्यांना ते शिक्षा होऊन दंड होऊन त्यांनी विठ्ठल नामाचं स्मरण सोडलं का? नाही।
मग हा त्यांच्या प्रेमाचा विजय आहे, भक्त आणि भगवंताच्या प्रेमाचा विजय आहे की बाबा भगवंत सांगतायत की बघा माझा भक्त माझ्यावर किती प्रेम करतो. ते सगळं मान्य मला, पण मग भक्ताचा असा अंत नाही. नाही नाही, अंत कसं आहे हे बघा, तुम्ही बाह्य दृष्टीने बघाल तर निश्चित तुम्हाला ते भन्न बरोबर आहे, पण इथे बाह्य जगाचा खेळ चालू नाही ना, इथे माझं आंतरविश्व आणि त्याचा आंतरविश्व एक झालेलं आहे, आमची मन एक झालेली आहे ना. बाह्य स्थिती माझ्या मनाला आणि त्याच्या मनाला तोडू शकत नाही, आणि हे जे चाललं हे तोडण्यासाठी. पण जगाला काय दाखवायचं भगवंताला की आमची मन इतकी एक झाली की तुम्ही काही टाका ती माझ्यापासून वेगळी होऊ शकत नाही आणि मी तिच्यापासून वेगळा होऊ. जनाबाईच्या देहाला जो त्रास झाला तो तिला जाणवला नाही. का नाही जाणवला? भक्तीमुळे. भक्तीमुळे नाही, भगवंताने तिला धरून ठेवलंय त्याच्यामुळे तिला त्रास नाही झाला. पण मग याच्यातून भगवंतांनी काय मेसेज दिला आपल्याला? मेसेज हेच दिला की तुम्ही भक्त ज्या वेळेला बनतात त्यावेळेला भगवंत आपल्या प्रेमाची 100% परीक्षा घेत. का पहिले परीक्षा का घेतात? माझं मन किती शुद्ध झालं हे बघायचं. आणि दुसऱ्या वेळेला जसं जनाबाईंची परीक्षा घेतली, ती का घेतली? तिचं गुणगान करायला, की ही इतकी मोठी भक्त, इतकी मोठी भक्त, ही देह स्तरच नाही येईल, ही आत्म्याच्या स्तरावर फंक्शन करणारी बाई माझ्याशी इतकी एक रूप झाली, त्याच्यामुळे तिचं गुणगान वाढलं. आज जनाबाईला का आपण पूजतो? भाऊ विठ्ठलाची एवढी मोठी भक्त झाली की क्षणाक्षणाला विठ्ठल चिंतन करायची, विठ्ठल तिच्यासाठी जात्यावर बसायची, विठ्ठल तिचं भजन ऐकायचे. अहो इतकं काय, विठ्ठलाने तिने गायलेले सगळे भजन लिहून काढले. तर दुसरी जी परीक्षा होती ती भक्ताच्या गुणगानासाठी, आणि आधी जी होती ती भक्ताच्या शुद्धीकरणासाठी. तर हे दोन मुद्दे शास्त्र सांग, एकात शुद्धीकरण लपलंय, एकात गुणगान लपलं. ठीक आहे. हरे कृष्ण. इथे लिहिलंय प्रभूजी, लाईक सिख गुरु गोविंद सिंग टोल्ड दॅट आफ्टर हिम गुरु ग्रंथ साहेब विल बी द गुरु, सेम फॉर हिंदू गीता. हिंदूंसाठी भागवत आहे हा श्लोक, हे जे तुम्ही सांगताय ना असाच आहे असा श्लोक भागवतात येतो पहिल्या स्कंदात. कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः तलो नष्ट दृशाम एष पुराण अर्क अधुन उदित. आत्ता जे भगवंत गेले तर भगवंताला प्रतिनिधी करणार कोण होतं? तर ते भागवत पुराण होतं, जे सूर्यासमान प्रकाशमान आहे, तेजस्वी आहे. हा भागवताच्या पहिल्या स्कंदात श्लोक आपल्यासाठी भागवत आहे. ठीक आहे. इथे प्रीती दाभाडे यांनी विचारलंय, अध्यात्मामध्ये आपण आपली धारणा कशी चेंज करू शकतो? धारणा ही नेहमीच्या संगतीत तुम्ही राहतात, त्या संगतीतनच धारणा बनते आणि तुटते. तुम्ही साधू संतांचा संघ केला किंवा प्रबोधांच्या पुस्तकांचा संघ केला, तुमची आध्यात्मिक धारणा आपोआप होईल. तुम्ही बाहेरचे पुस्तकं, बाहेरचे न्यूजपेपर, बाहेरचे मॅगझिन वाचले तर तुमची धारणा त्यांच्याप्रमाणे, तर संघाचा प्रभाव असतो, धारणा चेंज करायची असते. ठीक आहे. तुम्ही कोणाबरोबर संघ करताय त्याच्यावर फक्त काळजीपूर्वक लक्ष ठेवा. ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न? तर आपल्याला सगळ्यांना 2.7 पाठ करायचा आहे या आठवड्यात. ज्यांनी मागच्या आठवड्याचं होमवर्क केलेलं नाही त्यांनी या आठवड्यात पाठवा. ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न नसतील तर आपण सेशन थांबूयात. ठीक आहे. प्रभूजी फक्त तेवढी PDF फक्त प्लीज ग्रुपवर पाठवाल. हो हो टाकतो मी. हो हरे प्रभूजी. आणि ते कसं लर्न करायचं? लर्न करायचं आपण मागच्या वेळेला दाखवलं ना, नेक्स्ट श्लोक परत घेऊयात का आपण? कुठलाही श्लोक जर तू ग्रुपवर आहेस का? हो प्रभूजी. हा मग आता स्मिताताईंनी पाठवलं बघ, आत्ता पाठवलंय ते. त्या कशा बोलतात तसं बघ. आणि मागच्या वेळेला आपण शब्द कसे भेद करायचे हे शिकलो. तर कुठलेही आता चार ओळी असतात श्लोकात. पहिली ओळ 3 वेळा गायची बघून, 3 वेळा न बघून. दुसरी ओळ घ्यायची, ती 3 वेळा पाठ करायची घेऊन, बघून न बघून. तिसरी न बघून बघून. चौथी आणि मग परत सगळ्या परत एकदा करायच्या. असं 3-3 वेळा जर केलं दिवसातनं 2 वेळा तर सहज रीतीने तुझा श्लोकही पाठवून जाईल, न बघता तू बोलू शकतो. तर प्रत्येक ओळ 3-3 वेळा रिपीट करायची आणि मग 2-2चा ग्रुप करायचा आणि मग सलग असं 3 वेळा जर केलं तुझा श्लोक एका दिवसात पूर्ण पाठवून, अर्थ समजून केला अजून लवकर पाठ. ठीक आहे. 2.7 आपल्याला पाठ करायचा.
हा सौरभ काय प्रश्न सर माझा पण त्या ग्रुप मध्ये आहे कृष्णा अरे कृष्णा गोड एकदम हा सौरभ काय सांगतो प्रभूजी मी त्या ग्रुप मध्ये नाहीये मला पण ऍड करा ना हो का हा मी तुला लिंक पाठव चालेल प्रभूजी ओके चालेल हरे कृष्ण तर थांबूया हरे कृष्ण